आप सुन रहे हैं, मैं सामने की स्टूडेंट से आवाज आ रही है आपको मेरी? यस मैम। मैं वेट कर रही थी कि और स्टूडेंट्स आ जाएं, बट जी मोहम्मद दिलाल बेटा, आपको मैंने कहा था लास्ट लेक्चर में आपने रिव्यू करना है। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम सर। अच्छा जी बच्चे, ये है स्क्रीन शेयर हो गई, चले आप मुझे इसमें से बताएंगे। पहले तो प्रिंसिपल ऑफ एमआरआई को जरा एक्सप्लेन करें। मैम, प्रिंसिपल ऑफ एमआरआई ये है कि बेसिकली 70% वाटर है हमारी बॉडी के अंदर। सो जब हम रेडियो वेव्स अप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन जो है वो अलाइनमेंट कर देता है, रेडियो रेडियो वेव्स उनकी अलाइनमेंट कर देती है हाइड्रोजन की। और फिर रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव जो हम अप्लाई करते हैं वो जो हाइड्रोजन के अंदर प्रोटोन होते हैं उनको एक्साइट करवा देते हैं, देन वी विल कलेक्ट द इमेज। ठीक है, गुड। अच्छा कौन सा कंट्रास्ट बच्चे हम यूज करते हैं इसमें सबसे ज्यादा, जो कॉमन मैंने आपको बताया था एमआरआई? कौन सी एमआरआई की टाइप यूज करते हैं हम बेटा? एमआरआई कंट्रास्ट एजेंट कौन सा होता है जो स्पेसिफिकली हम यूज करते हैं? खिजरा तुफैल, आप बताएं बेटा। खिजरा तुफैल, खिजरा आप क्लास में प्रेजेंट है? यस मैम। बच्चे बताए कौन सा था एजेंट? नहीं भी आता तो बता दें, कोई बात नहीं। किरण शहजादी, याद नहीं है। किरण शहजादी, बच्चों आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं तो पेपर कैसे दोगे? मिड टर्म्स तो आने वाले हैं। मैग्नीशियम था और चिलेट्स था, गैडोलिनियम चिलेट्स था। ओके गुड। अच्छा जी बिलाल, अब आप बताएंगे कि T1 एंड T2 जो ब्रेन के सेक्शन में पढ़े थे उसमें क्या डिफरेंस कर सकते हो आप, कैसे कर सकते हो? मैम, T1 रेपिटेशन टाइम है और हमारे पास T जो है हमारे पास टाइम ऑफ इको है। जो रेपिटेशन टाइम है वो टाइम बिटवीन टू एक्साइटेशंस होता है हमारे पास। जो टाइम रेपिटेशन टाइम है, T1 रेपिटेशन टाइम, ओ TR, सॉरी मैम, TR रेपिटेशन टाइम है और TE इको टाइम है। और जो रेपिटेशन टाइम है वो टू एक्साइटेशंस के बिटवीन होता है, और जो इको टाइम है हमारे पास वो जो है हमारे पास टाइम बिटवीन होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी एक्साइटेशन पल्स और कलेक्शन ऑफ सिग्नल्स। कैसे करोगे आप डिफरेंशिएट T1 एंड T2 को? और मैम, अगर TR और TE जो हमारे पास यानी कि रेपिटेशन टाइम और इको टाइम अगर लॉन्ग हो तो T2 इमेज मिलती है हमें, और अगर ये शॉर्ट हो तो T1 इमेज होती। जी मोहम्मद यूसुफ, एंड आपने हैंड रेज किया। मैम, जो T1 होता है उसमें जो CSF फ्लूइड होता है वो डार्क होता है और T2 में ब्राइट होता है। उसके बाद जो T1 है वो एनाटॉमिकल व्यूज हमें देता है और T2 जो है वो हमें फंक्शनल व्यू देता है। वेरी गुड, शाबाश जी। इम्तियाज, आप भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? आपने हैंड रेज किया, बता। इम्तियाज हसन था आई थिंक, क्या नाम था? चले बच्चों, बच्चों अब आपको पता है कि आपके मिड टर्म्स आने वाले हैं, ठीक है, बल्कि आप समझे कि आ ही गए हैं, ठीक है। आपने उसमें हमें लास्ट लेक्चर में शायद डिसाइड किया, मैंने आपको बताया था कि ऑलमोस्ट जो आपके 12 हमारे लेक्चर्स होंगे ना वो हम उसको इंक्लूड करेंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए 12 लेक्चर्स तक, यानी कि मेमोग्राफी तक, ठीक है, ये मेमोग्राफी तक आपने पढ़ना है। ओके बच्चों, फाइन टू एवरीवन, ये जो लेक्चर सेशन 12 है हमारा, यहाँ पे ये मेमोग्राफी तक आपका मिड टर्म का जो है वो सिलेबस। मैम इसकी डेट क्या है बेटा? आपको एग्जामिन कैलेंडर में क्या शेयर हुआ है?
एकेडमिक कैलेंडर में क्या शेयर हुआ है? एक्सक्यूज मी मैम, जी मैम, मुझे आपने वाइवा में लेक्चर्स दिए थे, वो हम अच्छे तरीके से प्रिपेयर हैं, तो आप उसके आगे से स्टार्ट करके ताकि नए लेक्चर्स और ऐड कर दें, एमआरआई भी ऐड कर दें मिड के लिए, हमारी फाइनल्स की अच्छी तैयारी हो जाए, क्योंकि वाइवा वाले तो हमें आते हैं फर्स्ट फाइव. यस मैम, वाइवा वाले हमें आते हैं. मैम सिक्स से स्टार्ट करके आप एमआरआई भी बीच में ऐड कर लें मिड के लिए. मैंने तो वैसे आपकी आसानी के लिए जो है वो सिलेबस को थोड़ा ऐसे किया था ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो. अच्छा, इसी के नेक्स्ट पार्ट हमारा है एमआरआई के लेक्चर हैं. चलो बच्चों, एमआरआई के तो दो ही लेक्चर्स हैं, आज इसका सेकंड लेक्चर है, इसको हम एक्सक्लूड ही रहने देते हैं क्योंकि अभी हम नहीं ऐड करते. आप सिर्फ जो आपके फर्स्ट 12 लेक्चर है ना, यानी कि हमने जो मेमोग्राफी तक लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, वो सारे लेक्चर आप लोग इंक्लूड कर सकते हैं. ठीक है? ओके मैम. यस मैम, सही है बच्चों. और उसके अलावा पैटर्न, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें आपका एमसीक्यू भी हो सकता है, यानी कि आपका ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है और आपका सब्जेक्टिव भी हो सकता है. ठीक है? और एमसीक्यू में भी आपसे सिनेरियो छोटा सा बना के पूछा जा सकता है, कोई इमेज लगा के भी पूछा जा सकता है कि ये क्या है. ठीक है? जैसे हमने वाइवा में स्पॉटिंग हुई थी, और जैसे मैं आपको सिनेरियो बताती रही हूँ कि पेशेंट ऐसा आया है और इसका ये क्वेश्चन जो है वो आप इससे इस तरह का हम जो है वो सिनेरियो बन सकता है. ठीक है? ये कंप्लेन के साथ पेशेंट आया तो ये सिनेरियो बन सकता है, इस तरह आपको इमेज दिखा के ये पूछा जा सकता है. तो आपने उसी पैटर्न पे फिर जो है वो अपनी प्रिपरेशन करनी है. ठीक है? क्योंकि जैसे ही आपको ऑफिशियल मेल आ जाएगी कि क्या पैटर्न जो है वो होगा, क्या मोड होगा आपके एग्जाम, ठीक है, ऑन कैंपस होंगे या ऑनलाइन होंगे, तो फिर जो है वो एक फाइनल जो आपके साथ पैटर्न होगा वो मैं शेयर कर दूंगा. ठीक है? बट तब तक के लिए अभी आप जो है वो इसी पैटर्न पे पढ़ें कि आप अपना ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों जो है उसको देखें. और बच्चों, आपको हर मैंने जो है वो लेक्चर में साथ साथ मैं आपको बताती रही हूँ कि आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है? तो अगर आप उसी तरह से पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह फिर आपका इजीली क्लियर हो जाएगा. ओके बच्चों, सो टुडे वी विल डिस्कस सम कॉमन पैथोलॉजी सीन ऑन द एमआरआई. इससे पहले मैं आपको एक दिखाती हूँ ये. अच्छा जी, अब बच्चों द थिंग इज कि अगर यहाँ से हम स्टार्ट करें कि आप लोगों को हमने सीडी में बहुत सारे पढ़े थे, स्लाइसिस पढ़े थे. ठीक है? सारे फुल हमने अपर लिम लोअर लिम के दोनों के पढ़े थे, ब्रेन का पढ़ा था, फिर एब्डोमेन का भी किया था. तो एमआरआई में मैंने थोड़ा सा आपके लिए इसको कर दिया है कंसाइज, बिकॉज आई थिंक कि अगर आप लोग इतने ज्यादा स्लाइसिस पढ़ेंगे तो वो आपको मुश्किल भी हो जाएगा और आपको ओवरलैप हो जाएगा और आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, और आपके इस लेवल के ऊपर इतना ज्यादा हमें एमआरआई को डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है. ठीक है? और सेकेंडली, एमआरआई में आपको पता है जैसे कि डिफरेंट जो है वो हमारे पास व्यूज हैं इसकी, T1 है, T2 है, PD है, फ्लेयर है, और भी बहुत सारे जो है वो इसके व्यूज होते हैं. ठीक है? तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे. अब फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपको ये दिखाऊँ कि ये कोरोनल सेक्शन है हमारे पास नी का. ठीक है? तो आप ये देखिए किस तरह से ये डिफरेंट साइसेस चले. ठीक है? तो आपके लिए वो आई थिंक थोड़ा हो जाएगा मुश्किल. लेकिन आपको ये दिखाने का जो है वो मकसद ये है बच्चों के, अगर हम ये वाली स्लाइस देखें, ये देखें, ठीक है, कि जिस तरह से जिस सारे मसल्स आपके पास कितने अच्छे से जो है वो उसमें हमें प्रोमिनेंट हो जाते हैं. ठीक है? इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट आ गया हमारे पास, इसके अलावा पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट आपको नजर आ रहा है, मसल्स नजर आ रहे हैं, वास्टस मीडियलस है, वास्टस लेटरलस है, इलियोटिबियल ट्रैक है, टिबिया है आपके पास, गोनी आपको इतनी अच्छे से नजर नहीं आ रही है क्योंकि हमारे वहां पे इमेज जो है वो ग्रेश इमेज आ रहा है. ठीक है? बट जो हमारे पास मसल्स हैं, आप देखिए अगर कोई मसल में यहाँ पे टियर हो तो हमें बड़े अच्छे से एमआरआई के ऊपर नजर आ जाएगा. ठीक है? इसी तरह से अगर मेनिस्कस में कहीं कोई टियर होता तो भी हमें बड़े अच्छे से एमआरआई के ऊपर नजर आ जाता. ठीक है? तो आपको बेसिकली ये दिखाने का पर्पस ये है कि आपको अच्छे से ये बात क्लियर हो जाए कि हम एमआरआई में जब सॉफ्ट टिश्यू पढ़ रहे होते हैं या सॉफ्ट टिश्यूज को देख रहे होते हैं तो वो हमें इस तरह से इमेज जो है वो नजर आता है. इसलिए ही हमें एमआरआई जो है वो सॉफ्ट टिश्यूज का इमेज जो है वो बड़ा अच्छा और क्लियर देता है. इसी तरह से मैं आपको दिखाती हूँ, अगर हम स्पाइन का कर लें, चलिए ये ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लगा रही है. ओके okay. अच्छा बच्चों, अब ये वाला स्लाइस दिखाने का आपको पर्पस ये है कि आप देखेंगे जब हम इस तरह का भी देखेंगे ना एमआरआई का इमेज, ठीक है, तो आपको
ये चीजें पता होनी चाहिए कि आप इसको किस तरह से क्या करेंगे, लेवल किस तरह करेंगे. जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको पता है ये आपकी सेक्टर है, ठीक है, दिस इज एल फाइव, दिस इज एल फोर, दिस इज एल थ्री, एल वन, एल टू, इस तरह से, ठीक है, ऊपर पे थोरेसिक आ जाएगा. फिर उसके दरमियान में हमारे पास डिस्क कौन सी है, एल फाइव एस वन है, एल फोर एल फाइव है, ठीक है, एल थ्री एल फोर है, एल टू एल वन, एल वन एल टू, टी ट्वेल्व एन एल वन, इस तरह से ही आप जो है वो किसमें चले जाओगे, फिर ऊपर हमारा जो सर्वाइकल रीजन है उसमें चले जाएंगे, ठीक है. क्योंकि जब आपके पास पेशेंट आता है और हम एमआरआई देखते हैं, ठीक है, ये सब हमारे पास सेजिटल प्लेन है, और जितना भी आप लंबर का या किसी भी रीजन का एमआरआई देखोगे तो यूजली हम उसको सेजिटल रीजन में देखते हैं, क्योंकि आपको पता है डिस्क बल्जिंग, प्रोट्रूजन और जितनी भी डिस्क की डिजीजेस होती हैं वो ज्यादा हमें इस सेक्शन के अंदर बड़े अच्छे से नजर आ रही होती है, ठीक है. तो एक ये पॉइंट जो है वो आप एक स्लाइड इस तरह की जो है वो माइंड में रखें कि आपको एटलीस्ट ये लेबलिंग इतनी जो है वो आनी चाहिए कि अगर आपको कहेंगे जी ये कौन सा लेवल है तो आपको पता हो कि यहाँ से अगर हम काउंट करना शुरू करेंगे तो ये कौन सा लेवल है, ठीक है, या अगर ये डिस्क है तो ये कौन से लेवल पर डिस्क बल जो है या कोई भी डिस्क में प्रॉब्लम है तो वो किस लेवल के ऊपर हुआ है. बिकॉज पेशेंट आपको जब इस तरह की एमआरआई की फिल्म दिखाता है तो साथ उसकी रिपोर्टिंग भी होती है, ठीक है, और फिर साथ पेशेंट की क्लिनिकल प्रेजेंटेशन भी होती है, तो उसको फिर हम देख लेते हैं. अच्छा, अब इसी तरह से बच्चों अगर हम जाते हैं सर्वाइकल स्पाइन के ऊपर, जी अब आप ये देखिए जैसे हमने वहां पढ़ा था इसी तरह से अगर यहाँ देखिए, ठीक है मैम. जी जी मैम, ये डायग्राम्स हमें स्पॉटिंग में भी आएंगे और पेपर्स में भी आएंगे. अच्छा बच्चों, नहीं ये वाली जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये मैं आपको सिर्फ इस पर्पस से दिखा रही हूँ कि आपको लेवल पता होना चाहिए, ठीक है. ओके मैम, आपको लेवल पता होना चाहिए. अच्छा नहीं, आप इसको हम इस तरह कर सकते हैं कि ये आपको स्पॉटिंग में तो नहीं मैं पूछूंगी, लेकिन हाँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि एक पेशेंट है, उसका डिस्क बल्ज हुआ है, मैं आपको इस तरह का एक इमेज दिखाती हूँ, ठीक है, तो मैं आपसे पूछूंगी ये कौन सा लेवल पे इमेज डिस्क बल्ज हुआ है, तो अगर आपको लेवल करना आता होगा तो आप बता देंगे जी कि ये जो है वो हमारा सी सेवन टी वन का लेवल था, ठीक है, या ये सी फोर सी फाइव का लेवल है. ये आपको लेवल दिखाने का सिर्फ पर्पस ये है, ठीक है. जिस तरह से हमने लंबर में किया है इस तरह से बच्चों आपका फिर सी वन सी टू हो गया, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, और इसी तरह से सी टू सी थ्री डबल डिस्क उसके दरमियान में, और ये सारी जितनी भी हैं ये आपको पता होना चाहिए. ये दो इमेज जो कि हमारे स्पाइन के हैं, ठीक है, यानी कि जो सर्वाइकल आपका रीजन है, ठीक है, और जो हमारा लोअर लंबर सॉरी लोअर थोरेसिक और लंबर रीजन है, ठीक है. मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, एक तो कम्प्लीट सर्वाइकल रीजन, ठीक है, और आपका लोअर थोरेसिक यानी कि टी ट्वेल्व से लेके एल फाइव के लेवल तक ये आपको जो है वो आना चाहिए. यानी कि ये एक स्लाइड जो मैंने दिखाई है और एक जो पिछली स्लाइड मैंने ऐड की है, ये दोनों स्लाइड्स आपको जो है वो बता होनी चाहिए. मैंने एक्चुअली काफी ट्राई किया था कि इस तरह की स्लाइड में कोई ऐड कर लूँ, लेकिन ना वो प्रॉपरली लेबलिंग के साथ जो है वो अवेलेबल नहीं थी, तो ये साइट पे हमारे पास अवेलेबल है. ये बड़ी अच्छी साइट है हमारे एमएजेस के लिए, तो इसलिए मैंने ये आपको बेसिकली ये जो वीडियो दिखा दी है इसका पर्पज यही है कि अगर मैं आपसे कहती हूँ कि पेशेंट है उसको नेक पेन है, और मैं आपको इस तरह का एक इमेज दिखाती हूँ और मैं वहां पे कोई बिल्डिंग आपको दिखाती हूँ, तो आपको सिर्फ ये पॉइंट आउट करना चाहिए कि ये कौन सा लेवल है, ठीक है. तो ये आपको पूरा सर्वाइकल का पता होना चाहिए और टी ट्वेल्व से लेके जो होल नंबर है उसका आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बच्चों हमें ज्यादातर जो आता है बल्जिंग होती है या कोई भी डिस्क का प्रॉब्लम ज्यादातर आता है हमारा वो हमारा इसी लेवल के ऊपर आता है, ठीक है. सो आज बेसिकली जो है वो हम कॉमन पैथोलॉजीज ही देखेंगे जो कि हमें एमआरआई पे नजर आती है. मैंने स्लाइसेस आपकी बहुत ज्यादा ऐड नहीं की, ठीक है, बिकॉज मैंने अभी आपको जैसे दिखाया है कि अगर मैं हम उसको ऐड करेंगे तो आई थिंक वो आपके लिए ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और इस लेवल पे आपको इतने कॉम्प्लिकेटेड जो है वो उसका आइडिया नहीं होना चाहिए. सीटी में मैंने आपको स्लाइसेस दिखाने का पर्पज ये था कि जब आप कभी एमआरआई बहुत डिटेल में पढ़ें और आपको स्लाइसेस दिखाए जाए तो आपको ये ना हो कि शायद आपको स्लाइसेस का आइडिया ही ना हो कि स्लाइसेस होते क्या है या इमेज हम स्लाइसेस में देखते किस तरह, ठीक है. तो सीटी में स्लाइसेस अब हमने पढ़ लिए, अब आपको आइडिया हो गया है कि हम किस तरह से फील्ड ऑफ विजन देख के स्लाइसेस को पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है, और हर स्लाइस में हमें किस तरह से एक डिफरेंट जो है वो रीजन नजर आ रहा होता है, ठीक है, या सेक्शन नजर आ रहा होता है. सो सेम पैटर्न हमारे पास एमआरआई में फॉलो हो रहा होता है. मैंने आपका यहाँ पे कुछ पैथोलॉजी जो कि आपको पेशेंट से रिलेटेड मिलेंगी, ठीक है, जिसके लिए हम यूजली पेशेंट को एमआरआई रेफर कर रहे होते हैं, वो मैंने ऐड की हुई है. बच्चों ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके स्पॉटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो इम्पोर्टेंट है.
अच्छा जी, अब अगेन जैसे हमने पहले पढ़ा था, इसके भी हम ब्रेन को एमआरआई पे 3 सेक्शंस में देख सकते हैं, कि आप सेक्शन में देख सकते हो, क्रोनल पे देख सकते हो और एक्सियल सेक्शन में देख सकते हैं। अच्छा जी बच्चों, अब यहाँ पे मैंने ऐड किया हुआ है D1 का सेक्शन है एंड दिस इज बेसिकली द मेनिंजियोमा। कोई भी बच्चा बताएगा मेनिंजियोमा क्या होता है? एनीवन फ्रॉम गर्ल साइड? मेनिंजियोमा का आईडिया बच्चों? सॉरी, इसमें एबनॉर्मल मेस बन जाएगा, एबनॉर्मल ग्रोथ। जी वरदा आप बताएं। मैम ट्यूमर होता है मेनिंजियस का इसमें हमारे पास? जी आपके जो मेनिंजियल डिफरेंट लेयर्स है, ठीक है, उसका बेसिकली ये ट्यूमर होता है, ठीक है, वहां पे ट्यूमर की ग्रोथ हो जाती है। अब डिपेंड करता है कि उसने कौन सी मेनिंजियल लेयर को जो है वो एनकाउंटर किया हुआ है। सो बच्चों, अभी हमने पहले जो है जब मैंने आपको पढ़ाया था तो हमने डिस्कस किया था T1 एंड T2 का डिफरेंस। वैसे हमें मेनिंजियोमा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पैथोलॉजी ज्यादा हमें T2 सेक्शन के जो है वो ज्यादा अच्छे से नजर आती है और वो उसको जो है वो इस तरह से ब्राइट कर देती है, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे T1 का भी ऐड किया है बिकॉज T1 पे भी शो होती है, लेकिन अगर T2 होता तो वो इसको मजीद हमें ब्राइट कर देता। तो अगर आपसे इस तरह का कोई इमेज स्पॉटिंग में पूछ जाता है कि व्हाट इज दिस, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि दिस इज मेनिंजियोमा। देन दिस इज ये एक्सियल सेक्शन है हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ है जी, एक्यूट इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है। अगर आपको याद होगा जब मैंने आपको पढ़ाया था सीटी स्कैन, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे इन्फेक्शन होता है वहाँ पे क्या होता है कि जो सिल्काई कह रहा है डिफरेंस है वो फिर आपको वहाँ पे प्रॉपरली उस एरिया में नजर नहीं आ रहा होता, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगेन आपको इस तरह से अगर सिल्काई कह रहा है डिफरेंस डिसअपीयर हुआ किसी भी एरिया में नजर आ रहा है तो दैट इज बिकॉज ऑफ द एक्यूट इन्फेक्शन। और अगर हम यहाँ पे देखें कि एरिया कौन सा इन्वॉल्व हुआ होगा, ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ पे जो मिडल सेरेब्रल आर्टरी है वो हमारी सप्लाई कर रही होती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि मिडल सेरेब्रल आर्टरी जो है उसमें कहीं का ना कहीं कोई ब्लॉकेज हो गया था और उसकी वजह से यहाँ पे पेशेंट को जो है वो इन्फेक्शन हुआ है। अब बच्चों अगेन डिपेंड कर रहा होता है, जैसे हमने सिटी में जो हेमरेज पड़ा था तो मैंने आपको बताया था कि अगर पेशेंट की एक्यूट कंडीशन है तो फिर किस तरह का जो है वो उसकी जो डेंसिटी है या जो उसका इमेज आपको नजर आ रहा है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से ही इसमें भी ऐसा ही होता है कि जो है वो विद टाइम क्या होता है कि इसकी अपीयरेंस जो है वो चेंज हो जाती है, क्योंकि आप देखिए बेसिकली टिश्यू है ना, ठीक है, तो वहां पे जब ब्लड की सप्लाई जो है वो नहीं जाएगी तो टिश्यू अपना जो है वो उसकी जो कॉम्पोजिशन है वो चेंज होती जाएगी क्योंकि उसके जो न्यूट्रिशन है वो खत्म हो चुकी हुई है। तो इस तरह से ही इसके लिए हमारे पास एक स्केल है जो कि आप जो है वो क्विज के या वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो जरूर याद रखें, ठीक है, कि अगर जो है वो हमारे पास हाइपर एक्यूट स्टेज है तो T1 पे हमें लाइट नजर आएगा, T2 पे ब्राइट नजर आएगा। अगर एक्यूट स्टेज में होगा तो हमें लाइट और T2 पे ब्राइट डार्क नजर आएगा। अगर अर्ली सब एक्यूट होगा तो हमें T1 पे ब्राइट और T2 पे डार्क नजर आएगा। लेट सब एक्यूट कंडीशन होगी तो T1 पे ब्राइट, T2 पे भी ब्राइट, और अगर क्रॉनिक होगी तो फिर T1 पे भी डार्क और T2 पे भी डार्क नजर आएगी, ठीक है। तो ये जो है वो डिपेंड करता है, ठीक है, कि जो है वो पेशेंट अगर आपके पास आया है, ठीक है, हेमरेज है या वहाँ पे इंफेक्शन हुआ हुआ है तो वो जो है वो आपके पास किस स्टेज में आया है, ठीक है। तो ये आप MCQ या फिर वाइवा या फिर जो है वो क्विज के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इसको आप लोग याद रखें, ठीक है। ये एक निमोनिक है, अगर आप लोग इसको जो है वो इससे अकॉर्डिंगली याद रखना चाहें, बिकॉज अगर MCQ इस तरह से पूछा जाए तो वो कभी भी आपको याद नहीं रहता, तो इस निमोनिक से आप जो है वो इसको याद रख सकते हैं इस तरह से, ठीक है, BD, DB, and DG करके। उसके अलावा बच्चों ये है हमारे पास नजर आ रहा आपको, सॉरी T2 का सेक्शन है, अगेन हमें ये CSF ब्राइट नजर आ रहा है, ठीक है। दिस वन इज बेसिकली द ग्लायोब्लास्टोमा। अब ग्लायोब्लास्टोमा क्या होता है, बॉयज में से कोई बताएं? मुझे आप लोगों ने ये पहले पढ़े हुए, पैथोलॉजी पढ़ी हुई आप लोगों ने, पैथो पढ़ चुके हैं आप लोग? मैम पढ़ रहे हैं अभी। अच्छा अभी पढ़ रहे हैं मैम। ग्लायल सेल्स जो ग्लायल सेल्स में जो है ट्यूमर बन जाएगा, ग्लायल सेल बॉडीज जो होती है। आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही,
सॉरी बताएं दोबारा से बेटा क्या कहा आपने? मैम ब्रेन ट्यूमर टाइप ही होता है, ये भी ब्रेन का कैंसर से हम कह देते हैं शायद। मैम ग्लियल सेल्स में एस्ट्रोसाइट होते हैं, ग्लियल होते हैं ग्लियल सेल्स। हाँ जी एस्ट्रोसाइट की सेल्स का ये स्पेसिफिकली हमारे पास ट्यूमर होता है, ठीक है। ब्रेन ट्यूमर है वैसे तो ये आपके किसी भी रीजन में हो सकता है, डिफरेंट इसकी टाइप्स होती है, ठीक है। लेकिन इस वक्त हमारे पास जो है ये सुप्रा टेम्पोरियल रीजन में जो है ये आपके पास ग्लायोब्लास्टोमा जो है वो बना हुआ है, ठीक है। अगेन बच्चों इसमें मैंने बहुत ज्यादा मेंशन नहीं किया हुआ कि अब जैसे अभी हमने यहाँ पे पीछे पढ़ा था कि कोई भी जो है वो टिश्यू अगर जिस कंडीशन में आएगा उसके अकॉर्डिंगली इसकी डेंसिटी जो है वो हमारे पास चेंज हो सकती है, ठीक है। जैसे कि इस वक्त ये डार्क है तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास कहीं या तो हड्डी से भी क्यूट था या कहीं क्यूट या क्रोनिक में से कोई एक स्टेज है जिसमें हमारे पास जो है वो ब्राइट नहीं ना ही लाइट बल्कि हमें ये डार्क कलर का नजर आ रहा है। सो एनीवेज आप ये जो है वो थ्री इमेजेस स्पॉटिंग के या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो याद रखें, ठीक है। निंजियोमा की, इन्फेक्शन की और ग्लायोब्लास्टोमा की, ठीक है। और इसमें आप लोग ये जरूर नहीं है देखना, अगर मैंने जो है वो उसमें स्पेसिफाइड किया होगा तो आप लोग को T1 T2 का डिफरेंस जो है वो पता है, ठीक है। तो जो स्पेसिफिक सीक्वेंस हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हम किस बेसिस पे T1 एंड T2 को जो है वो डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं, तो फिर आप लोग उसको जो है वो वहाँ पे डिफरेंशिएट कर दिया जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये T2 के इमेजेस थे दोनों और ये हमारा T1 का इमेज था। ओके देन बच्चों हमारे पास आता है नॉर्मल सर्वाइकल MRI एनाटॉमी, ठीक है। अब ये तो आपको पता ही है कि हमारे पास बॉडी ऑफ द वर्टिब्रा है, ट्रांसवर्स प्रोसेसेस हैं, आपके पास स्पाइनस प्रोसेस आ रहा होता है, वर्टिब्रल फोरामेन होता है, दीज आर बेसिकली द लैमिनास, ठीक है। ये पूरा आपको दिखाने का पर्पस ये है कि जब भी आप MRI हम देखते हैं स्पाइन का तो आपको बॉडी का भी फ्रैक्चर हो सकता है, ठीक है। पेशेंट का स्पाइनस प्रोसेस इसका भी फ्रैक्चर हो सकता है और जो लेमिना है लेमिनेक्टोमी अगर आप लोगों ने कभी सुना हो तो जो लेमिना है इसका भी हम जो है वो सर्जरी कर रहे होते हैं, इसका भी जो है पेशेंट का फ्रैक्चर हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको दोबारा से रिवाइज करवाने का पर्पस ये बेसिकली। ओके अब बच्चों ये अगेन आप लोग जो है वो वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो याद रखें, ठीक है। या क्विज के मैरो कंटेन्स फैट्स अपीयर्स ब्राइट इन T1 एंड डार्कन इन T2, ठीक है। जो बोन मैरो है उसमें फैट है तो वो आपको T1 पे ब्राइट नजर आएगी और T2 पे जो है वो हमें डार्क नजर आएगी। इसी तरह से भी अगर कोई थ्रोम्बस बना हुआ है वहाँ पे ब्लड की प्रोटेक्शन हो गई या क्लॉट है तो वो हमें जो है वो व्हाइट नजर आएगा T1 पे और T2 पे भी हमें वो किस तरह का नजर आएगा व्हाइट नजर आएगा। नॉर्मल ब्लड फ्लोइंग गिव्स नो सिग्नल सो अपीयर्स ब्लैक एंड T1 एंड T2, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग योर वाइवा, ठीक है। देखिए हम लोगों ने देखा है कि अगर कोई ब्लड की कलेक्शन हुई है कोई क्लॉट बना हुआ है तो वो किस तरह का नजर आ रहा है और अगर ब्लड फ्लोइंग है तो वो आपको किस तरह का नजर आ रहा है। देन इंट्रावर्टिकुलर डिस्क न्यूक्लियस पल्पोसिस कंटेन्स वाटर ब्लैक इन T1 एंड वाइट इन T2, ठीक है। जो न्यूक्लियस पल्पोसिस है वो हमें नजर आएगा T1 में ब्लैक और T2 में व्हाइट कलर का और एनुलस फाइब्रोसिस जो कि सराउंडिंग रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है वो आपको T1 एंड T2 दोनों में इस तरह का नजर आएगा ब्लैक कलर का नजर आएगा। सो बच्चों अभी हमने पीछे डिस्क पढ़ी थी तो मैंने आपको बताया था कि जो डिस्क है वो आपको जो है वो इम्पोर्टेंट है बिकॉज बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट आपके पास बहुत सारे डिस्क बल्ज और डिस्क से रिलेटेड पेशेंट जो है वो आ रहे होते हैं। ओके अच्छा अभी ये बच्चों अभी हमने पीछे मैंने अभी आपको बताया था कि किस तरह से आपने जो है वो इसकी नंबरिंग करनी होती है कि C1 है 2 3 4 5 6 इस तरह से करते करते आप नीचे जाते हैं। अब ये आप लोग देख लें एक दफा T1 एंड T2 डिफरेंट इमेजेस है, ठीक है। ये हमने शायद लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि आपको इसमें क्या किस तरह नजर आएगा, ठीक है। हम सबसे पहले देख लेते हैं CSF, ठीक है जी। CSF आपको इसमें जो है वो नजर आ रहा है डार्क कलर का और इसमें नजर आ रहा है हमें ब्राइट कलर का, ठीक है। सबसे पहले तो हमने यहाँ से करके इसको जो है वो डिफरेंशिएट कर लिया कि ये T1 है और ये T2 इमेज, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास जो है वो स्पाइनल कॉर्ड जो कि हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था कि इसमें जो है वो हमारे पास डार्क ग्रे कलर की और इसमें लाइट ग्रे कलर की नजर आएगी, ठीक है। फिर ये जो लिगामेंट्स होते हैं इंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट, ठीक है, ये आपको फ्रंट साइड पे नजर आएंगे स्पाइन के और पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट जो कि वर्टिब्रास के पोस्टीरियरली अटैच हुए होते हैं, ठीक है। इन दोनों के भी पेशेंट बहुत ज्यादा आपको मिलते हैं इनका टियर हो जाता है या जो है वो इनका कंप्रेशन हो जाता है या कोई कंप्रेशन फ्रैक्चर हो अगर वर्टिब्रास का तो इन लिगामेंट के ऊपर बहुत ज्यादा हमारा प्रेशर आ रहा होता है, ठीक है। तो इंटीरियर एंड पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट, अगेन बच्चों ये स्पॉटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको पूछा जाए कि ये कौन सा पॉइंट होगा यहाँ पे क्या अटैचमेंट होगी तो इंटीरियर और यहाँ पे पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट होगा।
अच्छा, उसके अलावा C2 से उन्होंने आपको बता दिया है, बेसिकली C2 की अगर बॉडी है तो नीचे C3, 4, 5 इस तरह होगा, ठीक है, और C1 यहाँ पे होगा. ओके, इसके अलावा इसमें आपको ये सेरिबेलम भी नजर आ रहा है, ये आपको बोन्स नजर आ रहे हैं, और इसके अलावा आप इंटरस्पाइनस लिगामेंट अगर करना चाहें तो भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये देखें स्पाइनस प्रोसेसेस है सारे, तो स्पाइनस प्रोसेसेस के दरमियान में आपको इंटरस्पाइनस लिगामेंट नजर आ रहा है. अच्छा बच्चों, अब आप ऐसा कहें कि इसमें 4 लिगामेंट्स जो है वो जरूर इंपॉर्टेंटली याद कर लें, ठीक है. एक है हमारे पास इंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट, एक है हमारे पास पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट, ठीक है, एक है हमारे पास स्पाइनस प्रोसेसेस के दरमियान में इंटर स्पाइनस लिगामेंट, और एक आपको पता है कि जो नकल लिगामेंट होता है हमारा, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, C1 C2 के पास इसके अटैचमेंट होती है. तो ये आप 4 लिगामेंट्स जो है वो वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से या स्पॉटिंग के या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो आप लोग याद रखें, ठीक है. इसके अलावा CSF, कॉर्ड एंड डिस्क. अच्छा, डिस्क भी इम्पोर्टेंट है कि हमें इसमें जो है वो डिस्क हमें नजर आ रही होगी, अभी हमने देखा था इसमें डार्क नजर आएगी, ठीक है, या ब्लैक, और इसमें हमें T2 में जो है वो किस तरह की नजर आती है, थोड़ी सी ब्राइट नजर आती है. यहाँ पे इमेज इतना क्लियर नहीं है, लेकिन आपको जो एग्जाम में इमेज दिया जाएगा, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा तो उसमें फिर ये क्लियर डेमोन्स्ट्रेशन होगी वहाँ पे, ठीक है बच्चों. तो ये अब आपको क्लियर हो गया कि अगर आपसे ये वाली साइड को लेबल करके पूछा जाए कि कौन कौन से T1 कौन सा है, T2 कौन सा है, और आपसे अगर लेबलिंग पूछी जाए तो वो आपको पता होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट जो है वो इसमें हमें नजर आ रहा है, अच्छा ये उन्होंने जो है वो हमारे पास एक सेक्शन है, दैट इज बेसिकली ऑन द लेवल ऑफ द वर्टिब्रल बॉडीज, ठीक है. जैसे भी मैंने आपको पीछे बताया था कि स्पाइनस प्रोसेसेस, ठीक है, या वर्टिब्रल बॉडी जो है इसका भी हमारे पास जो है वो फ्रैक्चर बहुत ज्यादा कॉमन होता है पेशेंट के अंदर, कोई भी ट्रॉमा की हिस्ट्री के साथ आ गया तो उसके बाद. इसके अलावा ये जो हमारे पास सेंट्रल किनाल होती है, इससे रिलेटेड भी आप लोगों ने स्पाइनल कॉर्ड की बहुत सारी डिजीजेस पड़ी होंगी, ठीक है, जिसमें ये किनाल जो है वो हमारे पास इसमें स्टीनोसिस हो जाता है, ठीक है. तो इसलिए आपको जो सेंट्रल किनाल होती है इसको भी जो है वो एटलीस्ट अगर आपको इस तरह का एक एक्सेल सेक्शन दिखा के पूछा जाए तो आपको सेंट्रल किनाल जो है इसको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, ठीक है. स्पाइनस प्रोसेसेस, वर्टिब्रल बॉडीज, और उसके अलावा जो पीछे मैंने भी आपको बताया था लेमिना और वर्टिब्रल फोरम, ठीक है, लेमिनास एंड वर्टिब्रल फोरम, यह आपको जो है वो एटलीस्ट आइडेंटिफाई करना आना चाहिए. इसी तरह से बच्चों जैसे भी हमने ऊपर पढ़ा है, ठीक है, इसी तरह से जो लंबो सेक्रल का अगर हम नॉर्मल MRI देखें तो इसमें भी अगेन आप सबसे पहले CSF देख के T1 T2 को रेफरेंस कर लो, ठीक है. उसके बाद अगेन इंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट, हमारे पास पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट आ गया है, और उसके अलावा आपके पास जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे दैट इज कॉनस मेडुलस नहीं आप करें, वर्टिब्रल बॉडीज, ठीक है, वर्टिब्रल बॉडीज वहाँ पे हमने नहीं देखी थी, वर्टिब्रल बॉडीज आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वर्टिब्रल बॉडीज जो है इसका कंप्रेशन फ्रैक्चर हमारे पास बहुत ज्यादा कॉमन होता है, ठीक है. पेशेंट कहीं भी हाइट से गिरा और जो है वो उसकी वर्टिब्रल बॉडीज कंप्रेस हो गई, ठीक है, और उसके बाद ये जो वर्टिब्रल बॉडीज है इनका कंप्रेशन फ्रैक्चर आपको बहुत ज्यादा जो है पेशेंट ने मिल रहा होता है, ठीक है. तो दीज आर वर्टिब्रल बॉडीज, या आपके दरमियान में डिस्क हो गई, ठीक है, जो कि हमने देखा था इसमें हमारे पास डिस्क डार्क थी और इसमें हमारे पास ब्राइट कलर की नजर आ रही थी, ठीक है, जो भी हमने पीछे भी पढ़ा था कि यहाँ पे डिस्क डार्क हो गई और यहाँ पे T2 में हमारे पास ब्राइट हो. उसके अलावा बच्चों ये हमारे पास पैरास्पाइनल मसल्स हैं, अगर हम इसको भी देखेंगे तो वो फिर आपके लिए जरा ज्यादा लेंथी हो जाएगा, लेकिन एनीवेज आप सिर्फ इस लेवल पे इतना ही याद रखें जो मैं आपको जो है वो यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, ठीक है. अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे आप देखिए ये हमारे पास सैक्रम, ठीक है, सैक्रम बोन आ गई है, और सैक्रम बोन का भी मैंने आपको बताया था अक्सर पेशेंट हमारे पास सैक्रल बोन के फ्रैक्चर के साथ आते हैं, या जो सैक्रम बोन पे पेन जिसको टेल बोन के साथ पेन कहते हैं, कॉक्सीडाइनिया, इसके साथ बहुत सारे पेशेंट आते हैं, तो फिर हम MRI जो है वो लंबो सेक्रल रीजन करते हैं, ठीक है. तो आपको ये सैक्रम बोन को आइडेंटिफाई भी करना आना चाहिए कि ये आपकी सैक्रम बोन है. तो अगर आपको बच्चों बेसिक एनाटॉमी अगर आपको याद है तो आई थिंक इसमें तो आपको कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए. ओके, इसमें अब हमारे पास जो डिफरेंस है, स्पाइनस प्रोसेसेस हमने देख लिए थे, पैरावर्टिब्रल मसल्स हैं, वर्टिब्रल बॉडी है, श्वास मेजर मसल है, L2 सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट. अच्छा, यहाँ पे अब फेसेट जॉइंट जो है ना वो बच्चों इंपॉर्टेंट है, जो कि अभी हमने पीछे जो है वो हमने अभी तक नहीं पढ़ी, ठीक है. तो फेसेट जॉइंट्स जो है वो भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है, कि ये अगर आपको पता होगा कि ये सैक्रम है L5, L4, L3, L2, ठीक है, तो ये आपका फेसेट जॉइंट कौन सा है, ये L5 के लेवल पे फेसेट जॉइंट है, ठीक है. तो ये आपको फेसेट जॉइंट्स को भी जो है वो आइडेंटिफाई करना आना चाहिए. ये क्यों आना चाहिए, क्योंकि अभी आई थिंक आप लोगों ने मैनुअल थेरेपी जो है वो नहीं पढ़ी हुई है, ठीक है.
जब हम मैनुअल थेरेपी आप पढ़ते हैं जो कि हमारी टेक्निक्स होती हैं स्पेसिफिकली फिजियोथेरेपी में, तो उसमें आप फेसिक ज्वाइंट्स जो है फिर इसको रिलीज कर रहे होते हैं, पेशेंट का फेसिक ज्वाइंट लॉक हो जाता है, ठीक है, तो आपको फेसिक ज्वाइंट्स को आइडेंटिफाई एमआरआई पे भी और ह्यूमन बॉडी पे भी आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। एनीवेज यहाँ तक बच्चों आपको क्लियर हो गया कि आपने सीएसएफ देख लिया, कॉर्ड देख लिया, लिगामेंट्स जो मैंने आपको बताया वो देख लिए, ठीक है, फिर हमने जो है वो वर्टिब्रल बॉडीज देखी, ठीक है, और उसके अलावा वर्टिब्रल बॉडी के साथ साथ आप वर्टिब्रल बॉडी की हाइट भी देखते हो, ठीक है, ये भी मैं आगे आपको बताती हूँ, क्योंकि अगर कंप्रेशन हो जाए वर्टिब्रल बॉडी की हाइट हमने जो है वो फिर डिक्रीज कर जाती है, ठीक है, तो आपकी इसकी हाइट का भी पता होना चाहिए कि ये हाइट नॉर्मल आ रही है या ये एबनॉर्मल है। और उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया है कि हर लेवल आपको करना आना चाहिए कि अगर सेक्रम के लेवल से आप स्टार्ट कर दें या अगर आप अपर लेवल से स्टार्ट करें तो आपको इसकी पता होना चाहिए कि ये कौन से डिस्क का लेवल है, ये कौन से डिस्क लेवल है, ये कौन से वर्टिब्रा है, ये कौन से वर्टिब्रा है। यहाँ तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सब स्टूडेंट्स को क्लियर हो रहा है? बच्चों क्लियर है सबको? किसी को प्रॉब्लम है तो हैंड रेज कर दें। समझ ज्यादा आ रहा है या ऊपर से सारा गुजर रहा है? मैम बस समझ आ ही रहा है। सॉरी मैम नॉर्मल समझ आ रहा है। आपकी आवाज कट रही है बच्चे। मैंने आपके लिए इसको बच्चों इजी बनाया है, क्योंकि अगर हम स्लाइसेस करते हैं एमआरआई के लिए तो आई थिंक आपके लिए वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। अच्छा नेक्स्ट बच्चों हमारे पास एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन, बिकॉज अभी जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि हमारे पास डिस्क बल्ज के बहुत ज्यादा पेशेंट आते हैं, ठीक है, और जितने भी हमारे पास डिस्क बल्जिंग, डिस्क हर्निएशन या डिस्क से रिलेटेड जितनी भी पैथोलॉजीज होती हैं या जिसको हम डीजनरेटिव डिजीजेस कहते हैं, ठीक है, डिस्क से रिलेटेड या स्पाइन से रिलेटेड, उसमें सारे हमारे पास जो है वो हम लंबोसैक्रल जो है वो रीजन का एमआरआई करवा रहे होते हैं हम स्पेसिफिकली, ठीक है, क्यों? क्योंकि डिस्क जो है वो आपको पता है सॉफ्ट टिश्यू है, तो ये आपको ज्यादा क्लियर किसके ऊपर नजर आएगा? एमआरआई के ऊपर नजर आएगा। अब आपको पता है बच्चों आई थिंक आप लोग ये पढ़ चुके होंगे कि प्रोट्रूजन, एक्सट्रूजन और सिक्वेस्ट्रेशन में जो है वो क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल अगर हमें लगता है कि पेशेंट के वर्टिब्राज में कहीं ऑस्टियोफाइट्स बन गए हैं, ठीक है, स्पेसिस थोड़ी सी कम होना शुरू हो गई है, ठीक है, या जो है वो हमें हल्की सी माइनर सी कहीं पे जो है वो बल्जिंग हुई नजर आ रही है, ठीक है, या हमें ऐसे लग रहा है कि डिस्क अपनी स्पेस से थोड़ी सी माइनर, बिल्कुल माइनर सी जो है वो अपनी स्पेस पे नहीं है, तो हम उसको कहते हैं कि पेशेंट में अर्ली डीजनरेटिव चेंजेस जो है वो उसकी स्पाइन में क्या हुई है, स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, बट न्यूक्लियस पल्पोसिस और एनुलस फाइब्रोसिस ये दोनों क्या है, इंटैक्ट है, ठीक है। बच्चों न्यूक्लियस पल्पोसिस एंड एनुलस फाइब्रोसिस का तो आपको आइडिया है ना? यस मैम। बच्चों तो इसमें देखिए हमारे पास दोनों ही इंटैक्ट थे, तो ये हम कहते हैं पेशेंट के अंदर अर्ली डीजनरेटिव चेंजेस जो है माना स्टार्ट हो गई है। फिर प्रोलैप्स में हमारे पास क्या होगा, या प्रोट्रूजन में द हर्निएटेड पोर्शन ऑफ द डिस्क कवर्ड विद इन अ थिन लेयर ऑफ एनुलस, ठीक है, यानी कि डिस्क हर्निएट कर जाएगा, ठीक है, न्यूक्लियस पल्पोसिस जो है वो एनुलस फाइब्रोसिस से आपको बाहर निकल के प्रोट्रूड कर देगा, लेकिन वो एनुलस की लेयर के अंदर ही रहेगा, ठीक है, लेयर को उसने क्रॉस नहीं किया होगा, तो दिस इज बेसिकली द प्रोट्रूजन। और डिस्क प्रोलैप्स हमारे पास बहुत बहुत कॉमन पेशेंट है, L4, L5, L5S1, ठीक है, ये दो लेवल आप लोग याद रखें, वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, L4, L5, L5S1, ठीक है, इस लेवल के ऊपर चूंकि हमारी बॉडी का बहुत ज्यादा वेट आ रहा होता है, मैक्सिमम वेट आपका जा रहा होता है जब आप स्टैंडिंग में होते हो, जब आप सिटिंग में होते हो, ठीक है, तो आपका वजन ज्यादा इस एरिया में हमारा पड़ रहा होता है, सो इस वजह से वेट बेयरिंग एरिया की वजह से यहाँ पे हमारे पास डिस्क प्रोट्रूजन इस लेवल पे बहुत ज्यादा होती है, तो ये हमें नजर आ सकते हैं एमआरआई में। डिस्क एक्सट्रूजन क्या है, डिस्क मटेरियल हर्निएटेड थ्रू द एनुलस बट रिमेंस कंटीन्यूअस विद द डिस्क स्पेस, ठीक है जी, एक्सट्रूजन में क्या होगा कि वो एक्सट्रूड कर जाएगा, ठीक है, एनुलस फाइब्रोसिस जो है उसको वो एक्सट्रूड करके बाहर आ जाता है, ठीक है, बट अगेन जो है वो अपने डिस्क की जो स्पेस है उसको वो उसके साथ वो क्या रहता है, इंटैक्ट रहता है, ठीक है बच्चों। और जहाँ पे हमारे पास एक्सट्रूजन होती है वहां पे हमें स्पेसिफिकली सर्जिकल इंटरवेंशन की जो है वो जरूरत पड़ती है, ठीक है, डीजनरेशन में भी नहीं पड़ेगी हमें जरूरत, हम फिजियोथेरेपी और इससे जो है वो नॉन जो है वो इंटरवेंशन सर्जिकल ट्रीटमेंट से जो है वो पेशेंट का ट्रीटमेंट कर लेते हैं। प्रोलैप्स में भी ऐसे ही होता है, आप नॉन सर्जिकल इंटरवेंशन से पेशेंट का ट्रीटमेंट कर लेते हैं। फिजियोथेरेपी में हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, ठीक है, लेकिन जहाँ एक्सट्रूजन हो जाती है वो डिस्क क्योंकि हर्निएट करके बाहर आ गई है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये अब आपके जो नर्व्स हैं उसको कंप्रेस करेगी, तो यहाँ पे इसलिए हमें फिर क्या होता है इस एरिया को हमें इस पार्ट को डिस्क से रिमूव करना पड़ता है, यहाँ पे सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत होती है। देन सिक्वेस्ट्रेशन, द डिस्क फ्रेगमेंट हर्निएट्स थ्रू द एनुलस एंड लूजेस कॉन्टेक्ट विद ओरिजिनेटिंग डिस्क स्पेस, ठीक है, अब इसमें क्या है कि उसका जो उसका रियल ओरिजिन था वहां से उसका पीछे से उसने उसका
वहां से कॉन्टेक्ट जो है वो खत्म हो गया, ठीक है, और कंप्लीट आपको जो है वो इस तरह से डिस्क जो है वो बाहर निकलती हुई नजर आती है, और इवन ये भी नर्व्स ऊपर जाते जो है वो क्या करी होती है, कंप्रेस कर रही होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास सबसे जो है वो वर्स्ट और सबसे लास्ट स्टेज होती है किसी भी डिस्क की डिजनरेशन या डिजनरेटिव डिजीज। तो ये बच्चों आपको बताने का मकसद ये था कि हमारे पास हर तरह का डिशर्ट आता है और आपको हर तरह का बल्ज भी नजर आ सकता है, एक्सक्लूजन भी नजर आ सकती है, और जो है वो सिक्वेस्ट्रेशन भी नजर आ सकती है, ठीक है। अब ये हो गई हमारे नॉर्मल डिस्क। अच्छा जी, अब आगे देखिए, ये होगा सिंपल डिस्क बल्ज था, जैसे मैंने आपको कहा था कि उसने सिर्फ एंडोस्पर्मोसिस से जो है वो इंटैक्ट में है, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या होगा कि अपने नॉर्मल स्पेस जो है वो उसने छोड़ के, ये हमारे पास नर्व्स है येलो कलर की जिसको ये इंफिंच कर रही है। आपने अक्सर सुना होगा कि शैटिका की जो पेन हो जाती है, ठीक है, मैंने आपको शायद पहले भी बताया था, उसमें भी बच्चों यही होता है कि जो हमारी शैटिक नर्व सैक्रल रीजन से पास कर रही होती है, ये नर्व क्या करती है कि ये डिस्क जो बल्ज होता है ये जाके उसको जो है वो कंप्रेस करती है, और उसकी वजह से पेशेंट को फिर सारी जहां जहां स्टैटिक नर्व पास कर रही होती है मामा पेन आना शुरू होती है। ओके, अब यहाँ पे ये है हमारे पास एक सर्वाइकल स्पाइन का बेसिकली एक्सियल सेक्शन है हमारा। ये आपके पास डिस्क हो गई, ये हमारे पास जो है वो बॉडी हो गई, ये आपका फेसेट ज्वाइंट हो गया, ये आपके फोरामिनस हो गए, ठीक है, और ये हमारे पास जो है वो क्या आ गया, जो है वो स्पाइनस प्रोसेसेस आ गए, ठीक है। और ये साइड्स पे सारे आपको इस तरह से फेसेट ज्वाइंट्स जो है वो नजर आएंगे। ये एक का उन्होंने आपको एक्सियल सेक्शन दिखाया, मैंने डिफरेंटली जो है वो इस तरह से आप देख सकते हैं। ओके, ये जो है वो बच्चों हमारे पास आ गया है डिस्क बल्ज, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो डिस्क बल्ज है वो आपको इस तरह से जो है वो नजर आएगा, ठीक है। अब आप देखेंगे इसमें जो है वो बल्जिंग हो रही है, लेकिन जो है वो ये अपने एनिमलस फाइब्रोसिस के साथ क्या है, इंटैक्ट है। अब बच्चों मैं आपसे पूछ सकती हूँ इस तरह का इमेज दिखा के कि ये डिस्क बल्ज हुआ हुआ है, तो ये आप मुझे बताएं कि ये किस लेवल के ऊपर हुआ, ठीक है। तो कौन सा बच्चा बताएगा कि ये किस लेवल पे है? अच्छा जी, मनाहिल मुजम्मिल, आप बताएं बेटा। बताएं बेटा ये कौन सा लेवल है? बिलाल आप बताएं बेटा ये कौन सा लेवल है? जल्दी से शाबाश मोहम्मद बिलाल। बच्चों सो रहे हैं आप लोग सारे के सारे? नहीं बेटा, L1 नीचे कैसे आ गया? L1 तो ऊपर होगा ना? ठीक है, जिन्होंने L4 L5 कहा है उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है, ठीक है। देखिए बेटा L4 L5 S1 S2 S3 S4, ठीक है। ये आप देखो ना, मैंने आपसे कहा था कि सैक्रम से आप देख सकते हैं, ये सैक्रम है ना, तो इसके ऊपर L5 होगी L4 होगा, L4 L5 के दरमियान में ये हमारे पास है, ठीक है। अभी मैंने आपको पहले भी बताया था कि यूजली L4 L5 L5 S1 इस लेवल पे हमारे पास ज्यादा बल्जिंग हो रही होती है, बट दैट डजंट नेसेसरी कि इसी ही लेवल पे होगी, और भी हमारे पास जो है वो लेवल्स हो सकते हैं, लेकिन एनीवेज मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि अगर आप देखे हैं मेरा तो आपको बताऊँ, ठीक है बच्चों। तो ये अब हमारे पास क्या है, बल्ज हो रहा है सिंपल, ठीक है। और अगर हर्निएशन हो तो आप ये देखिए इस तरह से हर्निएशन आपको नजर आएगी हमारे, ठीक है। ये देखिए कि पूरा वो उसने एनुलस फाइब्रोसिस को भी क्या किया है, एक्सक्लूड कर दिया, और इस तरह से डिस्क जो है वो बाहर आ चुकी है, ठीक है। अच्छा, अब अगर सिंपल डिजनरेटिव डिस्क डिजीज होगी तो उसमें जो है जो हमने पहले लेवल पे पढ़ा था, ठीक है, जिसमें बल्ज या डिस्क का थोड़ा सा जो है वो चेंज आ रहा होगा, तो उसमें आपको बच्चे यहाँ से हम देखते हैं, ये देखिए इसमें पता है क्या इस तरह का आ रहा होगा कि आपको डिस्क की जो हमारी वर्टिब्रल बॉडी की हाइट है ना, ये आपको अफेक्टेड होती हुई नजर आ रही होगी, ठीक है। और उसकी वजह से डिस्क की हाइट, मतलब वर्टिब्रल बॉडी की हाइट इफेक्ट हो रही होगी, और आपको लगा नजर आ रहा होगा कि डिस्क जो है वो अपनी स्पेस से जो है वो क्या हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है। तो ये हम कहते हैं कि डीजनरेटिव डिस्क डिजीज या डीजनरेटिव चेंजेस जो है वो आना शुरू हो गई है, और अगर आप इसका फिर हम अगर ट्रीटमेंट ना करवाएं तो फिर क्या होता है कि यहाँ पे डिस्क बल्जिंग प्रोट्रूजन या सिक्वेस्ट्रेशन की तरफ जाती है, और फिर पेशेंट जो है उसको ये मजीद कंडीशन बढ़ सकती है, ठीक है बच्चों। तो ये आप थ्री कंडीशंस आपने जो है वो याद रखनी है, डीजनरेटिव डिस्क डिजीज हो गया, ठीक है, डिस्क बल्जिंग हो गई, और डिस्क हर्निएशन, ठीक है। अब अगेन मैं आपसे अगर पूछती हूँ कि डिस्क बल्ज का पूछूंगी तो मैं आपको सिनेरियो बेस में इस तरह पूछ सकती हूँ कि पेशेंट आया है और उसको लो बैक पेन है, ठीक है, लोकलाइज्ड लो बैक पेन है, ठीक है, और स्वेयर भी हो सकती है, ठीक है, और उसको जो है वो एडियल्स अफेक्टेड हो गई है पेशेंट की, ठीक है,
और इस तरह से और कुछ नहीं दे सकते, ठीक है। बट ये बेटा लोकलाइज होगी और इसमें पेन रेडिएट नहीं करेगी, ठीक है, ये आपने याद रखना है। जो हमारे पास हर्नियेटेड डिस्क होती है, क्योंकि इसने बाहर आ गई और आपके, मैंने आपको कह रहा था जो नर्व्स है उससे कंप्रेस कर दिया, तो जहां नर्व को कंप्रेस करेगी वहां आपकी पेन क्या करेगी, रेडिएट करेगी, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको पूछूं, मतलब अगर इसमें मैं आपको बताती हूँ कि कोई सिनेरियो दूंगी तो मैं इसमें आपको बता सकती हूँ कि पेशेंट आया है, इसके पास हमारे लो बैक पेन है और लो बैक पेन से रेडिएट कर रही है पेन, कहाँ पे, लेग्स में हमारे पास रेडिएट कर रही है, अपर आर्म्स में रेडिएट कर रही है, जहाँ भी रेडिएट कर रही है, ठीक है ना, दो रीजन है। सर्वाइकल की आपको पता है रेडिएट करती है अपर आर्म्स में, ठीक है, और हमारे जो लोअर लंबर रीजन की होती है, लंबो सेक्टर रीजन की होती है, वो हमारी रेडिएट करती है, तो वहाँ पे आपकी लेग्स के अंदर रेडिएट करती है, ठीक है। तो अगर मैं आपको रेडिएटिंग पेन के साथ देती हूँ और साथ में ऐसा इमेज देती हूँ, तो इसका क्या मतलब है, सीधी सी बात है कि ये हमारे पास लंबर डिस्क हर्निएशन है, और फिर आप उसको ये भी डायग्नोज करो कि ये क्या है और किस लेवल के ऊपर है, ये भी आप उसको डायग्नोज करो, ठीक है। सो बच्चों ये अब यहाँ से ये आपने इतना याद रखा, ठीक है। और इसमें जो है वो सिंपल जो है वो पेशेंट ऑफ एंड ऑन पेन बता रहा होगा, लेकिन इसकी एक्टिविटीज बहुत ज्यादा डीजनरेटिव डिस्कीज में डिस्टर्ब नहीं होती है, टू सम एक्सटेंट पेशेंट अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन जहाँ बल्जिंग है, जहाँ हर्निएशन है, वहाँ जो है वो फिर क्या होता है, पेशेंट की इफेक्टेड हो जाती है एटीज, ठीक है। तो अब आपने ये पॉइंट्स जो है वो याद रखना है। अच्छा, उसके अलावा बच्चों कॉर्ड कंप्रेशन टी टू विद इट्स सर्जिकल एमआरआई शोइंग कंप्रेशन ऑफ द L1 वर्टेब्रा विद पोस्टीरियर डिस्प्लेसमेंट वर्टिब्रल बॉडी डिस्ट्रप्टिंग द पोस्टीरियर स्पाइनल लाइन। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया था कि वर्टिब्रा में जो है वो बहुत ज्यादा हमारे पास फ्रैक्चर हो सकते हैं, ये वर्टिब्रा में कंप्रेशन फ्रैक्चर हो सकते हैं, ठीक है। या वर्टिब्रा में अगर आप लोगों ने पढ़ा हो कभी डिजीज, एक स्पॉन्डिलोलिस्थीसिस, ठीक है, उसमें भी क्या होता है कि वर्टिब्रा जो होते हैं वो आपके स्लिप कर जाते हैं, या तो इंटीरियर या फिर पोस्टीरियर, ठीक है। अगर ये पोस्टीरियरली स्लिप कर जाए तो आपको पता है पीछे क्या पड़ी है, हमारी कॉर्ड पड़ी है, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड को जाके क्या करते हैं, फिर कंप्रेशन कर देते हैं, उसका कंप्रेस, उसके ऊपर कंप्रेस जो है वो कंप्रेशन डाल देते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कंप्रेशन, स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन कहते हैं, या इसको हम कॉर्ड कंप्रेशन कहते हैं। और अगेन फिर हमें देखना पड़ता है कि किस लेवल के ऊपर जो है वो कॉर्ड का जो है वो कंप्रेशन है। ये बच्चों ज्यादातर हमारे पास जो ट्रॉमा की हिस्ट्रीज होती है, कोई पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, या पेशेंट ने कोई बहुत ज्यादा एकदम से हैवी वेट लिफ्ट कर लिया, ठीक है, जिसकी वजह से वर्टिब्रा जो है वो कंप्रेस हो गए, और कंप्रेस होकर उन्होंने जो है वो जो पीछे हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड पड़ी हुई है उसके ऊपर उन्होंने कंप्रेशन जो है वो डाल दिया, ठीक है। तो फिर ये भी डेफिनेटली इसका भी हमारे पास सर्जिकल इंटरवेंशन के थ्रू ट्रीटमेंट होता है, और ये किसी लेवल के ऊपर भी हो सकता है, बट यूजली अगर हम इसको देखें तो ये हमें लंबर और थोरेसिक, ठीक है, यानी कि ये हमारे पास मिड थोरेसिक और अपर लंबर रीजन में जो है वो हमारे पास सबसे ज्यादा कॉमन, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको डिस्क बताया, इस तरह से आपने याद रखना है कि जो कंप्रेशन फ्रैक्चर है या कॉर्ड कंप्रेशन है, वो यूजली हमारे पास जो सबसे ज्यादा कॉमन होता है वो मिड थोरेसिक और अपर लंबर रीजन में जो है वो कॉमन, ठीक है। इसके अलावा भी बाकी रीजन भी कॉर्ड हो सकते हैं, बट ये सबसे ज्यादा हमारा रीजन कॉमन होता है। ओके, देन कम द बर्ड्स फ्रैक्चर एट L2। अच्छा जी बच्चों, अब L2 के लेवल पे हमारे पास जो है वो क्या हुआ है, बर्ड्स फ्रैक्चर हुआ हुआ है। अच्छा, अब बर्ड्स फ्रैक्चर क्या होता है, जैसे मैंने आपको पीछे बताया है कि कंप्रेशन हो जाता है वर्टिब्रास का, तो कभी कभी क्या होता है कि क्योंकि वर्टिब्रल बॉडी हमारे पास बहुत छोटी सी है, ठीक है, आप देखिए बच्चों ह्यूमरस का आपका फ्रैक्चर होगा, रेडियस का फ्रैक्चर होगा, तो क्या होगा कि बॉडी हमारे पास जो है वो बड़ी बोन्स है सारी, ठीक है ना, लेकिन वर्टिब्रल बॉडी को हमारे पास बहुत छोटे से साइज की होती है। सो इस वजह से अगर वर्टिब्रल बॉडी का जो है वो कंप्रेशन की वजह से फ्रैक्चर हो, तो क्या होता है कि आपकी पूरी जो वर्टिब्रल बॉडी होती है वो ऑलमोस्ट बर्स्ट हो जाती है, ठीक है। तो आप उसको कंसीडर करते हैं कि दिस इज बेसिकली द बर्स्ट फ्रैक्चर। तो अगर आपको इस तरह का कुछ दिखाया जाए तो दिस इज बेसिकली द बर्स्ट फ्रैक्चर, और ये भी बच्चों अगेन किसी लेवल पे भी हो सकता है, बट यूजली जो है वो मिड थोरेसिक एंड जो है वो अपर लंबर रीजन जो है वो इसमें कॉमन। बच्चों क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हैंड रेज कर दें। ओके, अब बच्चों ये आप मुझे जरा बता दें कि आप लोगों ने ये मेनिस्कल टीयर्स पढ़े हुए हैं, ये जो मैंने सारे ऐड किए हुए हैं? नो मैम, ये आपने नहीं पढ़े। अच्छा बच्चों चलिए, ये आपके वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आपको पता है मेनिस्कस को, आपको पता है जो हमारे नी में मीडियल और लैटरल मेनिस्कस होता है, इसका तो आइडिया है ना आपको? यस मैम।
उन मेनिस्काइज में हमारे पास जो डिफरेंट तरह के टीयर हो जाते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको थोड़ा सा स्पाइन का रीजन बताया, ठीक है, और ब्रेन की कुछ पैथोलॉजीज बताई है। अब मैं आपको जो है वो नी से रिलेटेड थोड़े से टीयर्स जो है बताऊंगी, या नी से रिलेटेड जो ज्यादा इंजरीज हमारे पास आती है, ठीक है, जिसके लिए हमें स्पेसिफिकली पेशेंट को MRI करवाने की जरूरत जो है वो पड़ती है, ठीक है। तो नी में सबसे ज्यादा बच्चों हमारे पास आपको पता है इंटीरियर क्रूशियट लिगामेंट होता है, पोस्टीरियर क्रूशियट लिगामेंट, ठीक है, ये दो लिगामेंट्स की इंजरी आपके पास बहुत कॉमन है। इसके अलावा बच्चों हमारे पास जो मेनिस्काइज होते हैं, ठीक है, नी में मेनिस्कल टीयर्स आपके पास बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा जो है ये जो हमारे पास फुटबॉल प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, इनमें आपने देखा है बहुत ज्यादा ये आपके पास इंटीरियर क्रूशियट लिगामेंट की इंजरी होती है। आई थिंक अगर रोनाल्डो को आपको पता है तो रोनाल्डो का भी आपका ACL टीयर उसका जो है वो ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, और उसने सर्जिकल इंटरवेंशन के थ्रू उसकी जो है वो रिपेयर करवाया है, ठीक है। इसी तरह से जो भी जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं या जितने भी प्लेयर्स होते हैं, इन सब में मेनिस्कल टीयर्स के बहुत ज्यादा जो है वो चांसेस होते हैं। सो ये हमारे पास डिफरेंट तरह के जो टाइप्स हैं इसकी, रेडियल टीयर है, कॉम्प्लेक्स टीयर है, फ्लैप टीयर है, जो है वो इनकम्प्लीट टीयर है, हॉरिजॉन्टल टीयर है, और ये बकेट हैंडल टीयर है। इन सब में भी अगर मैं आपको बताऊँ तो सबसे ज्यादा कॉमन जो हमें मिलता है वो हमें मिलता है बकेट हैंडल टीयर, ठीक है। इसमें ये आप सिर्फ याद रखें, एटलीस्ट जो है वो वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखें, आप याद रखें आप इसको, ठीक है, या आप इसको क्विज के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखें कि टाइप्स जो है वो मेनिस्कल टीयर्स की कौन कौन सी। अच्छा बच्चों, अब ये वाली इमेज जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगेन हमारे पास ये सेजिटल सेक्शन है, ये एक्सियल सेक्शन है, इसमें आप देखें ये हमारे पास इंटीरियर क्रूशियट लिगामेंट लगा हुआ है, ठीक है, और ये है हमारे पास पोस्टीरियर क्रूशियट लिगामेंट। अभी मैंने आपको बताया कि नी में हमारे पास इंटीरियर और पोस्टीरियर इन दोनों लिगामेंट्स की इंजरी जो है वो बहुत ज्यादा हमारे पास क्या होती है, कॉमन होती है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि अगर यहाँ पे इस लेवल पे कोई टीयर होगा तो ACL का टीयर होगा, और अगर यहाँ पे आपको कोई पोस्टीरियरली नी से टीयर नजर आता है तो वो किसका होगा, ACL का टीयर होगा। इसके अलावा अभी बच्चों मैंने आपको बताया है कि जो मीडियल और लेटरल जो मेनिस्काय है उनके भी टीयर होते हैं, और मीडियल और लेटरल जो लिगामेंट्स हैं, लेटरल लिगामेंट्स हैं हमारे पास, उसके भी टीयर हमारे पास जो है वो कॉमन, ठीक है। तो अब अगर आपको लोकेशन बच्चों पता होगी कि ये मीडियल कोलेटरल है, ये लेटरल कोलेटरल लिगामेंट है, ये इंटीरियर क्रूशिएट है, ये पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है, और आपको MRI में यहाँ पे कोई टीयर शो किया जाता है इन लोकेशंस के ऊपर, इन साइट्स के ऊपर, तो आप उसको क्या कर सकते हो, इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये साइड आपने इंटीरियर्स के जो है वो आइडेंटिफिकेशन के लिए याद रखनी है। ओके मैम, मैम आपके माइक हिल रहा है ना, तो वो शोर आ रहा है, अपनी हैंड फ्री नहीं है जी मैम। नहीं नहीं बेटा, मैं तो क्लास में मैंने हैंड फ्री लगाई हुई, या फिर मैम किसी का माइक ओपन है, वो डिस्कशन हो रहा है तो वो कानों में हैंड फ्री। मैं देखती हूँ अगर आप में से किसी का माइक ओपन है। मैम इनकी हैंड फ्री खराब होगी बेटा, आपने अगर हैंड फ्री लगाई हुई ना, हैंड फ्री उतार दे, आपको पहले बता दिया कि ये हमारे पास क्या लगा हुआ था, ACL लगा हुआ था, और ये क्या लगा हुआ था, PCL लगा हुआ था, ठीक है। अब आप देखें कि ये नॉर्मल हमारे पास नी में अगर हम इसका सर्जिकल सेक्शन ये मैंने आपको दिखाया है, अगर इसमें हमें देखे तो ऐसे नजर आ रहा है। अब आप बच्चों देखो यहाँ पे ये जो है वो ACL टीयर हुआ हुआ है, ठीक है, और ACL इस तरह से आपको एक बैंड लाइक एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर नजर नहीं आ, ठीक है। PCL जो है वो यहाँ पे अपनी जगह पे इंटैक्ट है, लेकिन ACL जो है वो क्या हो गया है, अपनी जगह पे इंटैक्ट, कॉर्ड उसकी जो है वो डिस्टर्ब हो चुकी है। तो इसका क्या मतलब है कि ACL का ये क्या हो गया हमारे पास, टीयर हो चुका है, ठीक है। तो अगेन ACL टीयर जो है वो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि बहुत कॉमन है और आपसे जो है पूछा जा सकता है। तो आपको बच्चों इसमें भी कोई जैसे कि मैं कहूँगी केस स्टडी जो है वो आपसे जो है वो बना के जो है वो पूछी जा सकती है, ठीक है। और जो है वो आपसे इस तरह भी पूछा जा सकता है कि क्या स्पेसिफिक इंजरी है जिससे जो है वो पेशेंट का ACL टीयर जो है वो रप्चर हो गया, ठीक है। तो यूजली जो कि डायरेक्टली हिट करती है आपके आपके नी को, ठीक है, आप देखिए यहाँ से कोई चीज अगर आपके नी को अगर डायरेक्टली हिट करेगी तो ऑटोमेटिकली आपको जो पीछे ACL लिगामेंट लगा हुआ है वो क्या होगा, रप्चर हो जाएगा, ठीक है। तो आपने इससे याद रखना है
अगर आपको इस तरह का इमेज दिखाया जाए कि दिस इज बेसिकली द ECR. अच्छा बच्चों, इसी तरह से PCR का आई थिंक मैंने डाला हुआ है या नहीं, मैं देख लेती हूँ. नॉर्मल इमेज ऑफ द नॉर्मल PCR वाइटर. अच्छा देखिए, यहाँ पे ये हमारे पास PCR है जो कि नॉर्मल है, और यहाँ PCR क्या हो गया है, ये रप्चर आपको वो नजर आ रहा है, ये कॉर्ड जो है वो क्या हो गई है, रप्चर. ठीक है, तो यहाँ पे ACL है. अगर यहाँ पे आपको इस जो है वो लेवल पे नजर आएगा तो क्या होगा, ACL का टीयर होगा, और यहाँ पे आपको जो है वो PCR का टीयर नजर आएगा. अच्छा, अब आपको इसमें बच्चों इस तरह से, जैसे एक तो मैंने आपको बताया ना कि फॉरवर्ड कोई हिट करे तो हमारा इसका टीयर हो सकता है. इसके अलावा आपसे मतलब अगर मैं आपको बताऊंगी सिनेरियो आ सकता है, तो इस तरह इसमें पूछ सकती हूँ मैं कि पेशेंट जो है डेफिनेटली जब उसका ACL या PCR का टीयर होगा तो पेशेंट क्या होगा, बेंडिंग जो है वो नहीं कर सकेगा. ठीक है, इसके अलावा पेशेंट चूंकि हाइपर एक्सटेंशन भी नहीं कर सकेगा क्योंकि यहाँ पे ये लिगामेंट्स अटैच है. ठीक है, और इसके अलावा पेशेंट जो है वो उसका जो है वो पॉपिंग साउंड आपको आ सकती है नी के अंदर. ठीक है, और इसके अलावा पेशेंट की वेट बेरिंग अफेक्टेड हो सकती है. ठीक है, तो ये सारा अगर मैं आपको सिनेरियो बना के ये इस तरह की सात इमेज लगा के डायग्नोसिस पूछूं तो फिर आपको जो है वो इसका बच्चों आइडिया हो जाएगा. ये हमारे पास आ गया है बकेट 100 टीयर. तो जी, ये आपके पास आ गए हैं दोनों मेनिस्कस. ठीक है, मीडियल एंड लैटरल मेनिस्कस. अब आप देखिए बच्चों, अगेन ये सेजिटल सेक्शन में अगर हम देखें तो ये आपके पास जो है वो इस तरह से टीयर नजर आएगा आपको. ठीक है, ये पूरा इंटैक्ट होना चाहिए था लेकिन इंटैक्ट नहीं है, आपको ये टीयर इसके अंदर नजर आ रहा है. दिस इज बेसिकली द टीयर इन द मेनिस्कस. ठीक है, तो ये भी अभी जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि मेनिस्कस के डिफरेंट टीयर्स होते हैं. अगर हम बकेट हैंडल टीयर की बात करें, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा कॉमन हमारे पास बकेट हैंडल टीयर. ठीक है, तो मैं अगर आपको दूं तो मैं आपको बकेट हैंडल टीयर दे सकती हूँ. इसको बकेट हैंडल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये देखिए बकेट की तरह का ये मेनिस्कस नॉर्मल है, इसके अंदर दरमियान में ऐसे करके एक हॉलो सा जो है वो टीयर हो जाता है. तो इस तरह से दरमियान से हॉलो टीयर हो जाता है, वो आपको बकेट का जैसे हैंडल होता है वो हैंडल बन जाता है. ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, बकेट हैंडल टीयर कहते हैं. ठीक है, और ये यूजली हमारे किस साइड पे होता है, जो मीडियल मेनिस्कस होता है इसके अंदर ये टीयर आपको नजर आता है. अब बच्चों वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि बकेट हैंडल टीयर जो है वो आपको कॉमनली लैटरल या मीडियल साइड में नजर आते हैं. ठीक है, तो आप बताओगे कि मीडियल मेनिस्कस में होता है, और उसके अलावा आपको जो है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या स्पॉटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब आप ये देखें कि बच्चों इसमें ये आपको नजर आ रहा है, क्योंकि ये बेसिकली वो जो बकेट हैंडल टीयर हमने कहा था ये आपको नजर आ रहा है. ठीक है, मीडियल मेनिस्कस के अंदर इसका सेरिजल सेक्शन में बकेट हैंडल टीयर आपको इतना क्लियर नजर नहीं आता, हमें ज्यादातर इस तरह का जो एक्सिलर सेक्शन होता है. ठीक है, उसके अंदर हमें बकेट हैंडल टीयर जो है वो ज्यादा क्लियरली नजर आ रहा है. इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है डबल PCR साइन. ठीक है, अगर पेशेंट के अंदर आपको बकेट हैंडल टीयर भी नजर आ रहा है, ठीक है, ये देखिए बकेट का ये हैंडल बना हुआ है मेनिस्कस के अंदर, तो बकेट हैंडल टीयर भी नजर आ रहा है, और साथ साथ हमारा जो पोस्टीरियर टू शेप लिगामेंट ये पूरा यहाँ पे लगा हुआ था, इसके अंदर भी आपको कोई टीयर नजर आ रहा है. ठीक है, तो ये दोनों अगर साथ साथ अफेक्टेड हो गए, यानी कि मीडियल मेनिस्कस और पोस्टीरियर टू शेप लिगामेंट बोथ इन्वॉल्व हो गए, तो इसको हम कहते हैं डबल PCR साइन. ठीक है, तो ये भी आपसे अभी इसका पूरा स्नैडियो भी बना के पूछा जा सकता है, और ये आपके क्विज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो इम्पोर्टेंट है. ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको कुछ कॉमन बताई है जो कि नी से रिलेटेड आपको पेशेंट में इंजरी जो है वो मिल सकते हैं, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है. अब थोड़ा सा हमारे पास रह गया है शोल्डर का, ये हम देख लेते हैं. शोल्डर में बच्चों हमारे पास दो लेजर्स बहुत ज्यादा कॉमन है, जो कि हमें MRI जिसके लिए हम करवाते हैं पेशेंट का, एक होता है स्लैब टीयर और एक होता है वैनगार्ड लेजर. आई थिंक आप लोगों ने ये भी शायद अभी तक ना पढ़ा हो कभी. अच्छा, वैनगार्ड लेजन क्या होता है, टिपिकली लोकेटेड इन द 3-6 क्लॉक पोजीशन बिकॉज दैट वर द ह्यूमरल हेड डिसलोकेट्स. अच्छा, अब जो वैनगार्ड लेजन क्या होता है, बेसिकली जो वैनगार्ड लेजन और स्लैब टीयर है, ये दोनों हमारे जो ग्लेनॉइड लेब्रम है इनके टीयर है. ठीक है, ग्लेनॉइड लेब्रम के अंदर टीयर आ सकता है. ठीक है, तो अब डिपेंड करता है कि टीयर कहाँ आया, टीयर सुपीरियर साइड पे आया या उसमें इंफीरियर साइड पे आया. ओके, थर्ड पॉइंट ये है कि डिपेंड करता है कि क्या जो था वो कॉज था टीयर का. ठीक है, डिसलोकेशन की वजह से टीयर आया है, पेशेंट को जो है वो कोई ट्रॉमा की वजह से टीयर आया है, किस रीजन की वजह से टीयर आया है. ठीक है, जो यूजली वैनगार्ड लेजन होता है वो हमारे पास होता है पेशेंट की डिसलोकेशन की वजह से. ठीक है, अगर हेड जो है वो डिसलोकेट कर जाए तो उसकी वजह से हमारे पास वैनगार्ड लेजन जो है वो आ रहा होता है. अब बच्चों आपको पता है कि जो क्लॉक है उसमें 3-6 की ये पोजिशन होती है. ठीक है ना, तो अगर आपको MRI में
इंफीरियर साइड पे, ठीक है, ग्लेनॉइड हेड के इंफीरियर साइड पे आपको कहीं पे कोई टीयर नजर आ रहा है तो दैट इज बेसिकली द मेनकार्ड लेजन, ठीक है, या 3 और 6 की पोजीशन में आपको कोई लेजन नजर आ रहा है तो दैट इज बेसिकली द मेनकार्ड लेजन, ठीक है, जो कि ग्लेनॉइड लैब्रम का लोअर रिम या लोअर साइड पे टीयर होता है, ठीक है। इसी तरह से बच्चों जो स्लैब टीयर है दैट इज सुपीरियर लैब्रल टीयर फ्रॉम इंटीरियर टू पोस्टीरियर, ठीक है, तो ये सुपीरियर साइड पे ग्लेनॉइड लैब्रम का टीयर होगा और इंटीरियर टू पोस्टीरियर टीयर होगा, ठीक है, और ये 10 and 2 o'clock की पोजीशन में जो है वो आपको ग्लेनॉइड लैब्रम में नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो ये बच्चों अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आपके वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्लैब और बेकार लेजन, आप सबको क्लियर है, अगर नहीं है तो मुझसे पूछ लो, करके बच्चों पूछ रहे हैं। अच्छा जी, क्लियर है आपको। अच्छा अभी देखिए बच्चे, अभी मैंने आपको बताया है पीछे कि 3 और 6 की पोजीशन, ठीक है ना, घड़ी में 3 यहाँ होता है और 6 यहाँ होता है, तो ये इस लेवल पे अगर हमें कोई लेजन नजर आएगा तो दैट इज द बेंगार्ड लेजन, ठीक है, ये ग्लेनॉइड लैब्रम है पूरा, इस लेवल पे इंफीरियर रिम ऑफ द ग्लेनॉइड लैब्रम इज बेंगार्ड लेजन, ठीक है, और अगर आपको सुपीरियर लैब्रल टीयर फ्रॉम इंटीरियर टू पोस्टीरियर यानी कि यहाँ से ये पूरा ऐसे टीयर होगा तो दैट इज बेसिकली द स्लैब टीयर, ठीक है। दोनों के नंबर ऑफ रीजन हो सकते हैं, जो यूजली बेंगार्ड होता है वो शोल्डर की जब डिसलोकेशन होती है यूजली इंटीरियर या इंफीरियर डिसलोकेशन, उसकी वजह से हमारे पास बेंगार्ड लेजन जो है वो बहुत ज्यादा कॉमनली हम यहाँ नजर आ रहा है। अच्छा जी, अब अच्छे देखिए, जब हमने सीटी स्कैन पढ़ा था तो आपको याद होगा कि इस तरह का हमने एक स्लाइस वहां पे पढ़ा था, ठीक है ना, आपको याद है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास क्या था, ह्यूमरल हेड था, ये हमारे पास ग्लेनॉइड कैविटी थी या ग्लेनॉइड लैब्रम था, ठीक है, और ये आपके पास फिर ये डेल्टॉइड मसल था और ये डिफरेंट हमारे पास फिर मसल था, ठीक है। तो यहाँ भी बच्चे देखें जो है वो अगर इसको हम देखें कि ये सेक्शन पेशेंट का ये सुपीरियर पार्ट है, ठीक है, ये शोल्डर है, ठीक है, ये सुपीरियर पार्ट है और ये इंफीरियर है, ठीक है, तो ये इंफीरियर साइड पे अगर आपको इस तरह से कोई टीयर या कोई लेजन नजर आ रहा है जैसे मैंने आपको पहले बताया तो दैट इज बेसिकली द मेनकार्ड लेजन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अब हम देख लेते हैं स्लैब टीयर, ठीक है, अब आप ये देखिए ये है बेटा आपका स्लैब टीयर जो कि हमें सुपीरियर साइड पे कोई टीयर नजर आ रहा है, ठीक है, सुपीरियर लैब्रम में फ्रॉम इंटीरियर टू पोस्टीरियर, ठीक है, इस पूरी जगह पे आपको टीयर कहीं भी नजर आ सकता है 10 and 2 की पोजीशन, ठीक है, अगर यहाँ और यहाँ होगा तो क्या होगा मेनकार्ड, अगर 10 और 2 की क्लॉक पोजीशन होगी तो क्या होगा स्लैब टीयर, ठीक है। तो अगेन बच्चों आपको इसका सिनेरियो बना के पूछा जा सकता है कि पेशेंट आया, एक्सीडेंट हो गया, गिर गया, उसका जो है वो पेन हो गई और उसके बाद जो है वो हमने एक्सरे कराया और एक्सरे जो है वो इंटैक्ट है, ठीक है, वो नहीं, कोई चेंज नहीं आया हुआ, और हमने जब MRI करवाया है तो MRI में जो है वो हमें ये इमेज जो है वो शो कर रहा है, तो अब आप इसको क्या करें आइडेंटिफाई करें, ठीक है, तो फिर आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या रीजन है, ठीक है। लेकिन अगर बच्चों डिसलोकेशन की वजह से होगा तो फिर डेफिनेटली एक्सरे में डिसलोकेशन नजर आएगी, तो ये इस तरह भी पूछा जा सकता है कि हमने एक्सरे करवाया और एक्सरे में डिसलोकेशन है, ठीक है, और उसके साथ साथ जो है वो और कोई चेंज नहीं आया, तो हमने फर्दर सॉफ्ट टिश्यू को जो है वो इंजरी को रूल आउट करने के लिए पेशेंट का MRI करवाया, उसने ये इमेज हमें नजर आया, तो अब आप क्या करें इसको आइडेंटिफाई करें कि ये क्या है, ठीक है, ये क्या सॉफ्ट टिश्यू की पैथोलॉजी है, तो आप जो सेम फॉर्मूला मैंने बताया उसको अप्लाई करोगे और आप इसको आइडेंटिफाई करोगे, टीयर ऑफ द डेल्टॉइड लिगामेंट। अच्छा बच्चों, अब हमने नी का एक लिया कॉमनली, ठीक है, जैसे हमने पहले स्पाइन देखा है, फिर नी देखा है, फिर मैंने आपको शोल्डर के बताए हैं, इसी तरह से ही हमारा जो एंकल होता है उसमें आपको पता है कि मेजर हमारा एक डेल्टॉइड लिगामेंट होता है जो कि फैन शेप्ड होता है, ठीक है, आपकी मीडियल साइड पे अटैच होता है, और यूजली अगर पेशेंट की कोई इवर्जन हो जाए, ठीक है, या एंकल स्प्रेन, या अगर आप लोगों ने कभी नाम सुना हो हाई एंकल स्प्रेन का, ठीक है, तो उसमें फिर पेशेंट का ये जो डेल्टॉइड लिगामेंट है इसके अंदर टीयर हो जाता है, ठीक है, तो इसमें भी बच्चों अगर हमने आपको MRI में दिखाऊं तो ये देखो इस तरह से ये फैन शेप्ड होता है और अगर इसमें टीयर होगा तो ये आपको इस तरह से ये टीयर होगा, यही आपको उसके अंदर ये नजर आ रहा है जो उसकी नॉर्मल पोजीशन थी वो वहां से डिस्टर्ब हो चुकी है, अब इस तरह से आपको इसके अंदर टीयर होगा। तो बच्चों ये आपका दिस इज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर, ठीक है, आप यही याद रखें, ठीक है, जो कॉमन पैथोलॉजीज मैंने आपको बताई हैं स्पाइन से रिलेटेड याद रखें सारा, ठीक है, कि आपने किस तरह से लेबलिंग करनी है, ठीक है, फिर जो मैंने आपको कॉमन कंडीशंस बताई हैं कॉर्ड कंप्रेशन है, वर्टिब्रा की हाइट डिफरेंट हो सकती है, डीजनरेटिव चेंजेस आ सकती हैं, बल्जिंग हो सकती है, प्रोट्रूजन हो सकती है, सिक्रेस्ट्रेशन हो सकती है, ये सब याद रखें आप लोग, ठीक है,
किस लेवल पे है, आपको ये जरूर आना चाहिए, पता होना चाहिए. उसके अलावा जो है वो फिर मैंने जैसे कि आपको बताया है नीचे लेवल पे मिनिस्कल टीयर्स का पता होना चाहिए, लिगामेंट्स जो मेजर है उनका टीयर होना पता होना चाहिए. इसी तरह से मैंने जैसे आपको स्पाइन में मेजर लिगामेंट्स बताए हैं, ठीक है, उनका जो है वो आपको सब पता होना चाहिए ब्लीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से. और फिर उसके अलावा बच्चों को जो हमने शोल्डर में ये टीयर्स दिए हैं, ठीक है, बेकार्ड है या स्टैप टीयर है उनका आइडिया होना चाहिए. और ये कॉमन सा जो डेल्टॉइड लिगामेंट हमारा टीयर होता है फर्स्ट ब्रेन में, इसका आपको आइडिया होना चाहिए. सो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अपना कोई और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है. एमआरआई में आप लोग उतना ही याद रखें जो एक मैंने आपको बेसिक लेक्चर दिया था फर्स्ट वाला, ठीक है, और T1 T2 का डिफरेंस याद रखें, ठीक है, ये किस तरह से क्या इमेज किस में नजर आएगा. और उसके अलावा ये जितनी पैथोलॉजीज मैंने आपको पढ़ाई है या आपके सब्जेक्टिव प्रैक्टिकल वाइवा सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इम्पोर्टेंट, ठीक है बच्चों. अब आप किसी भी बच्चे का इसमें कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछिए. मैम मेरे ना असाइनमेंट से वो रिलेटेड क्वेश्चन था, मैंने आपको मेल पे सेंड की थी असाइनमेंट सैटरडे को, और मैंने बाद में देखा था कि LMS पे सबमिट करवाना, तो मैंने कल रात की थी, तो वो एक्सेप्ट हो जाएगी ना असाइनमेंट मेरी, क्योंकि मैंने मेल पे तो सैटरडे को सबमिट करवा दी थी आपको. हाँ जी बच्चे, वैसे मैंने आपको बताया था सबको कि आप लोगों ने LMS के ऊपर ही बच्चों सबमिट करनी है, मुझे मेल नहीं करनी, ठीक है मैम. वो मिस्टेक होगी मेरे से. तो अगर आपने दोनों जगह सबमिशन कोई जो बच्चे जिनका पहले LMS काम नहीं कर रहा था, आउट ऑफ वर्क था, आउट ऑफ ऑर्डर था, बट अब उनका LMS जो है वो वर्किंग है, ऑपरेशनल है, तो बच्चों अगर आपने मुझे मेल किया हुआ तो आप लोग प्लीज जो है वो मुझे मेल पे दोबारा से एक नोटिफिकेशन दे के LMS पे भी सबमिट कर, ठीक है. ठीक है मैम, वो तो कर दी थी मैंने उसी दिन ही, मैंने बिफोर द टाइम सबमिट करवाया था, लेकिन वो मैंने कल देखा ना LMS पे, तो मैं वो क्लियर कर दी थी. ठीक है बेटा, अगर आपने एक वैलिड रीजन साथ अटैच किया हुआ है कि आपने मुझे सबमिशन करवा दी थी टाइम से पहले ही, ठीक है, तो फिर ओके. बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स थे ड्यू टाइम से ऊपर बच्चों सबमिट कराई थी, तो ये आप लोग देख लेंगे जिन बच्चों ने भी ड्यू टाइम से ऊपर सबमिट करवाई है उनका जो है वो ऑलमोस्ट 0.5 से 1% तक डिडक्शन जो है वो होगी, ठीक है बच्चों. आपको जब LMS पे लास्ट डेट आई 13 रही थी संडे की, तो हमने फिर उसी हिसाब से करवाई है. बेटा मैंने संडे ही दिया हुआ था आपको, ठीक है मैम, चेंज हो गई थी सैटरडे. ड्यू आ रही है. नहीं बच्चों मैंने आपको 12 जून दिया हुआ था ना मैम, 13 थी मैम, 13 थी LMS पे. हां जी 13 था, आई थिंक 6 AM सुबह ऐसे ही था ना. 13 से 1 PM तक था, तो 12 हो गई थी. जी मैम. मैम लेकिन अब वो लेट सबमिशन लिखा आ रहा है LMS पे. मैम वो जब सबने सबमिट किया तो लेट था. अच्छा बात सुन ले, और यहां हुआ ये था कि LMS पे मैंने असेस रिस्ट्रिक्ट की हुई थी, ठीक है, कि आप 13 के बाद सबमिट ना करवाएं, बट वहां पे वो रिस्ट्रिक्शन के लिए डेट जो है ना वो आई थिंक कहीं मिसमैच हो गई है, ठीक है, और उसकी वजह से वो इस तरह हो गया. तो अगर आपने 13 जून को 1 PM तक ही सबमिट करवाई, मैं उसको ना आपके असेसमेंट्स को असाइनमेंट को ग्रेड करने से पहले एक दफा अपडेट कर दूंगी, ठीक है. 13 जून 1 PM तक जिन बच्चों ने सबमिट कराई है वो लेट सबमिशन पे काउंट नहीं होगा, ठीक है. जिन्होंने उसके बाद सबमिट करवाई है बेटा उनका जो है वो जरूर लेट सबमिशन में काउंट होगा. और आप देखिए बेटा प्रॉब्लम्स हम सबके साथ होती है, ठीक है, वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स. कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है घर पे, कोई आपके पेरेंट्स के साथ मसला हो सकता है, आपके अपने साथ हो सकता है, इसीलिए ही बच्चों आपको एक इतना लंबा टाइम पीरियड दिया जाता है. मैंने आपको आई थिंक ऑलमोस्ट 8-9 डेज दिए हुए थे, ठीक है, और हार्डली आई थिंक 10 मिनट्स की असाइनमेंट थी. पेजेस आपने निकालने थे गूगल से, वहां से आपने देख के ही आपने जो है वो लेबलिंग करनी थी और आपने स्कैन करके भेज देना था, ठीक है ना. तो अगर बच्चों आपको 8-9 डेज भी कम पड़ रहे हैं तो आई थिंक इसमें फिर आपको देखना चाहिए कि टीचर आपको किस तरह फेवर करे, ठीक है ना, कि टीचर आपको इतना फेवर कर रहा है कि उन्होंने आपको 8-9 डेज दे दिए, इससे ज्यादा तो टीचर फिर आपको फेवर नहीं कर सकती ना. अच्छा जी मैम, मिड में कितना सिलेबस होगा? जी बेटा अभी मैंने क्लियर किया था कि मेमोग्राफी तक हमने जो है वो डिसाइड किया, ठीक है. मैं आपको एक सेकेंड कितने लग चुके अच्छा ये देख रहे हैं आपको स्क्रीन नजर आ रही है, ठीक है, ये है हमारा सीटी वाला लेक्चर और ये है हमारा मेमोग्राफी वाला, यानी कि सेशन 12 लेक्चर्स जो है हमारे जहां तक हमने मेमोग्राफी पढ़ी हुई है, ठीक है, यहां तक आएंगे
और अभी तक बच्चों मैंने आपको जैसे पहले डे वन से बता रही हूँ कि आपका सब्जेक्टिव भी हो सकता है और ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, ठीक है ना। आपको क्विज की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, आपसे स्नैरियो के फॉर्म में पूछा जा सकता है, एमसीक्यू भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, ठीक है। तो आपने इसको जरूर बच्चों अच्छे से पढ़े। फर्स्ट फाइव तो आई थिंक बच्चों आप लोग ऑलरेडी ओरल टेस्ट में पढ़ चुके हैं और वो इतना मुश्किल भी नहीं है, ठीक है। जो रिमेनिंग है लेक्चर्स वो आप लोग देख लें और उसको अच्छे से प्रिपेयर करें, ठीक है। मैम इससे होंगे क्यों हमारे मेट्स की आज तो 16 हो गई हुई है, तो कुछ इन्फॉर्मेशन मिल नहीं रही हम लोगों के मीट कब होने हैं, कब नहीं। आपको डेट एकेडमिक कैलेंडर पे क्या है जो अभी अपडेट हुआ था, वो क्या अपडेट हुआ है? 21st जून लिखा हुआ था, 16 से 21st जून इस तरह की डेट थी कोई। हां जी, तो 21st से आपका लिखा हुआ है ना, तो मैम 21st आ गया था, पर मैम फातिमा तारिक ने बोला है कि एक वीक एक्सटेंड हो गया, 27 से अब होंगे मीट हमारे। 27 फेब से होंगे, फेब से 27 जून से मैम। बेटा देखिए आपसे अगर एग्जामिक कैलेंडर में 21 है ना, तो आप उसको इसी तरह ही एक्सपेक्ट करेंगे, हो सकता है कि 21 से ही आपका पेपर, 21 को ही आपका पेपर हो, ठीक है ना। 21 से स्टार्ट होने का मतलब है कि उस वीक में आपका किसी भी दिन पेपर हो सकता है इंक्लूडिंग 21, ठीक है। तो आप इसको इसी तरह ही प्रिपेयर करें कि आपका 21, 22, 23, 24, 25, 26 किसी भी एक दिन पेपर हो सकता है। इसलिए ही मैं आपसे कह रही हूँ कि यह आपका सिलेबस है, ठीक है। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों पैटर्न पे काम करें, ठीक है, दोनों पैटर्न पे आप प्रिपरेशन करें। जो भी एक फाइनलाइज होगा आपका ऑन कैंपस है या ऑनलाइन है, तो वो फाइनल डिसीजन हो जाएगा, फिर मैं आपको एक पैटर्न जो है वो बता दूंगी, ठीक है। लेकिन उस तक आपकी तैयारी जो है ये दोनों की जो है वो कम्प्लीट रखें। बेटा देखिए आपका आई थिंक अगर आप ऑब्जेक्टिव होता है या सब्जेक्टिव होता है, दोनों में ही आपका प्रिपरेशन सेम ही होगी, ठीक है ना। आपसे इमेज स्पॉटिंग में भी वही बात पूछी जा सकती है, वही चीज आपसे वायरल में पूछी जा सकती है, वही पॉइंट आपसे किससे पूछा जा सकता है, सैरियो वेस में पूछा जा सकता है। सो आपने जो है वो सारे पॉइंट्स को सामने रखे जो है वो प्रिपरेशन स्टार्ट करें, ठीक है। तो आप बच्चों 21 वाला वीक आप पूरा देख लें, इंक्लूडिंग 21 आपका किसी भी डे में जो है वो एग्जाम हो सकता है और आपके साथ डेटशीट भी शेयर हो जाएगी। तो इसलिए आप लोग अपनी सब बच्चे प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छी रखें, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो फिर आप उसे मेल पे पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छी हाथ या आपने हैंड रेस किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम आपको मैंने मेल की थी कि मैं LMS पे इनरोल नहीं हूँ, तो आपने रिप्लाई किया था कि मैं ऑलरेडी इनरोल हूँ, लेकिन मैम अभी तक मुझे सब्जेक्ट शो नहीं हो रहा है LMS पे। बेटा मैंने आपका खुद से भी कंफर्म किया है और मैंने जो है वो जो हमारे बेसिकली एनरोलमेंट टीम होती है, मैंने उनसे भी बहुत दफा जो है वो ये चीज कंफर्म किया, तो वो कहती है आप एनरोल्ड है, आप एनरोल्ड हो ऑलरेडी। मैम अभी मैंने आपकी जब मेल आई थी उसके बाद मैंने दोबारा LMS खोल के चेक किया था, लेकिन मुझे वो सब्जेक्ट शो ही नहीं हो रहा LMS पे। बेटा फिर चले मैं एक दफा फिर देख लेती हूँ आपके लिए तो। ओके मैम। आदिया है ना? अच्छा ये देखिए मैंने आपकी ही आज मेल की है एंड दे रिप्लाइड मी कि यू आर ऑलरेडी एनरोल्ड। पता नहीं मैम वो बाकी सब्जेक्ट जो थे उनके पे जब क्विज वगैरह आए थे वो तभी शो हुए थे मुझे LMS पे, तो इसका तो क्विज भी LMS पे नहीं हुआ, तो ये सब्जेक्ट मुझे शो ही नहीं हो रहा। ये देखिए आपको ये नजर आ रही है मेरी स्क्रीन? यस मैम। ये आपके सारे सब्जेक्ट्स हैं? ठीक है ये देखिए आप एनरोल्ड है LMS पे। अब आप देखें बच्चे मैंने तो है वो दो तीन दफा खुद भी ट्राई किया, मेल भी किया, तो वो यही कह रहे हैं कि आप एनरोल हो, बट आपको बैटरी में कुछ नहीं शो हो रहा। तो फिर मैम मैं सिर्फ नान को मेल करूं? हाँ अभी तो जरा उनको करके देखें, मैं भी वैसे उनसे पूछ लेती हूँ खुद से कि क्या इसका। ओके मैम थैंक यू। बहुत बच्चे ये तो आपको शो होना चाहिए ना। हाँ जी बच्चों एनी वन एल्स कोई प्रॉब्लम कोई मसला तो बता दें। बच्चों सारे बच्चों ने मिड टर्म्स बहुत अच्छे देने हैं और उसमें अपनी 100% एफर्ट शो करनी है, ठीक है।
जी और कोई स्टूडेंट तो बच्चा इस वक्त क्लास में ऐसा नहीं है जिनकी एनरोलमेंट का इशू है? अच्छा बच्चे देखिए आप मेरे पास जो है वो फातिया मैं आपको दिखाती हूँ कि यू आर एनरोल्ड ऑन माय एलएमएस फ्रॉम माय साइड ये देखिए यही है आप फातिया असद यस मैम यही हूँ बेटा देखिए ना आप तो मेरे पास एनरोल्ड हैं आपको और कैसे हम एनरोल करें ये देखिए मैम फिर मैं यूनिवर्सिटी जाके सिर्फ नाम से बात करती हूँ हाँ ये आप देख लें बिकॉज देखिए मेरी साइड से आप एनरोल हो मेरे एनएमएस पे आप शो हो रही हो ठीक है तो अब क्या रीजन है कि आपको ये नहीं शो हो रहा आपका एनएमएस क्यों ब्लॉक है या जी आप फिर जरा ना देखें आप यूनिवर्सिटी विजिट कर लें और सर नाम से डिस्कस कर लें या अकॉर्डिंग ओके मैम जी बच्चों किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है हम क्लास एंड कर दें मैम मेट का कुछ पता चला ऑनलाइन है कि ऑन कैंपस है अभी इसका कोई आइडिया नहीं है कि आपके ऑनलाइन है या ऑन कैंपस है ठीक है लेकिन मैंने अभी आपको बताया है कि आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों की रखें ठीक है ना आप अपने आप को फुली प्रिपेयर रखें कि जैसा भी जो भी पैटर्न हो या ऑन कैंपस हो या अदर ऑनलाइन हो आप फुली प्रिपेयर ठीक है ना आप उसको जो है वो आप उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो उसको अटेंड करें और बेटा ये तो आपकी आपको पता है ये ऑफिशियली जो है वो सारा डिसीजन होता है तो उसी एंड से जब डिसाइड होगा तो वो फिर इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर कर दूंगी ठीक है आप लोगों को पता चल गया ना फर्स्ट मेमो तक जो है वो आपने लेक्चर्स पढ़ने हैं सिनेरियो बेस्ड भी पढ़े एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़े और जो है वो एसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़े ठीक है आप लोगों को बच्चों ऑफिशियल मेल भी आ जाएगी ठीक है जो भी हुआ ऑन कैंपस या ऑनलाइन और फिर उसके अकॉर्डिंगली जो एक स्पेसिफाइड अगर मैंने अपना जो है पैटर्न रखना हुआ ठीक है अगर मैंने खाली ऑब्जेक्टिव फॉलो करना हुआ तो भी मैं आपको बता दूंगी और अगर खाली सब्जेक्टिव करना हुआ तो भी हम डिस्कस करेंगे ठीक है बट टिल नाउ आप अब तक जो है वो अपनी दोनों पे जो है वो बच्चों फोकस करके पढ़े ठीक है फर्स्ट 12 लेक्चर्स हमने डिसाइड किया है एलएमएस पे जो फर्स्ट 12 सेशंस में लेक्चर्स अपलोड हुए हुए हैं मेमोग्राफी तक वो आप लोग पढ़ें ठीक है बच्चों अब मैं लेक्चर एंड करती हूँ और आप लोग जो है वो फिर अपनी प्रिपरेशन जो है वो अच्छी रखें ठीक है अगर मिड टर्म से रिलेटेड और कोई प्रॉब्लम आ रहा होगा ड्यूरिंग प्रिपरेशन तो आप मुझसे मेल भी पूछ सकते हैं ओके बच्चों टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़